स्क्रीन शेयर हो चुकी है, आपने यूआरएल गलत लगाया है, आपने यूआरएल गलत लगाया है। MongoDB.com MongoDB पे जाएं और वहाँ से पासवर्ड ज़रा लेकर आएँ। डेटाबेस का जो यूज़र है ना उसका पासवर्ड। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ये स्क्रीन में शो हो रही है जो आपकी स्क्रीन शो हो रही है, सिक्योरिटी जहाँ पे लिखा हुआ है ना आपकी स्क्रीन पे, वहाँ पे डेटाबेस एक्सेस करके एक चीज़ लिखी हुई आ रही है, वहाँ पे जाइएगा जी। सर सही है, चले गए यहाँ पे। अब ये जो एबीसी यूज़र आपने बनाया, इसका पासवर्ड आपने क्या रखा था? चेंज कर दें पासवर्ड, एडिट करके पासवर्ड चेंज कर दें। एडिट करके ना नीचे जाएं, एडिट पासवर्ड, पुराना पासवर्ड जो भी था अभी आप नया इसमें रख दें, एबीसी रख दें फिलहाल। पहले भी एबीसी था, चलें दोबारा एबीसी करके नीचे सेव का बटन दबा दें, जस्ट टू मेक श्योर कि अभी पासवर्ड आपका ये सही है। ABC एंड और नीचे जाके सेव का बटन दबा दें, अपडेट। हाँ सही हो गया, अपडेट। अब आप अपने कोड में जाएं, ये कोड में जो URL है ना आपके 255 लाइन नंबर पे जो URL है आपका, इसके अंदर आपने लिखा हुआ है पासवर्ड, ये पासवर्ड की जगह आपको असल पासवर्ड लिखना है। ठीक है सर। हाँ चलें आप सेव करें, उसको चला कर देखें, अब कनेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इधर ही इसको चला के देख लेंगे, रन कर लें इसको, आप npm start से इसको रन करें, ये पता चल जाएगा आपको क्या इशू है। ये आ गया नहीं, डिसकनेक्टेड हो गया ये। दोबारा रन कीजिएगा इस फाइल को, एबीसी। हाँ एबीसी लिखे हैं, अच्छा इस एरर को शुरू से दिखाएं क्या एरर आया। अच्छा क्या कह रहा है ये, मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट, आपने स्टार्ट की स्क्रिप्ट ही नहीं बनाई। पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाएं, यहाँ पे स्टार्ट की आपने स्क्रिप्ट नहीं बनाई हुई है। यहाँ पे नहीं लिखना मेरे बच्चे, यहाँ पे नहीं लिखना, ये गलत लिख रहे हैं आप। डिपेंडेंसी के बाद लिखें आप इसको, लाइन नंबर 9 के बाद एक जगह बनाएं, 9 और 10 के बीच में, यहाँ पे जाके आपने लिखना है स्टार्ट स्क्रिप्ट। सर मेरा मंगोल्स कनेक्ट नहीं हुआ है। बहरहाल ये तो पुराना मसला है, ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अभी आप इसको नॉट स्पेस और फाइल का नाम लिख के चला लें ज़रा। ये स्टार्ट की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं ये हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। नॉट स्पेस फाइल का नाम, फाइल का हाँ MJS। अच्छा कॉमा भी लगाइए ब्रैकेट के बाद, लाइन नंबर 9 में कॉमा लगेगा। अच्छा जल्दी से इसको सेव करें, आप चलाएं, टर्मिनल पे आके एरो अप का बटन दबाएं, पुरानी हिस्ट्री आ जाती है, उससे एंटर कर दें। अब क्या एरर दिया इसने? नहीं ये असल में स्टार्ट की स्क्रिप्ट इस तरह नहीं बनती, पहले स्क्रिप्ट बनता है उसके अंदर स्टार्ट होता है। अब यहाँ नॉट स्पेस और सर्वर डॉट MJS डायरेक्ट लिखना, आपने टर्मिनल पे जाके ये नॉट स्पेस। आवाज नहीं आ रही। अच्छा मेरी आवाज यहाँ से तो जा रही है, आप ज़रा देख लेंगे, इनको ज़रा कोई मैसेज कर दीजिए। स्टार्ट की जगह स्क्रिप्ट लिखूं? ये आप npm init से होता है ये काम ना, आपने शुरू में npm init नहीं चलाया तो वो खुद ही सब बना के दे देता है आपको। वेल अभी आप इसको डायरेक्ट तो रन करें ना, नॉट स्पेस और सर्वर डॉट MJS लिखें टर्मिनल पे जाके, डायरेक्ट रन करें इसको आप। वो तो हरिको पे रन करने के लिए आपको चाहिए ना स्टार्ट की स्क्रिप्ट, नॉट स्पेस सर्वर डॉट MJS।
अब यहाँ पे ये बता, MongoDB कनेक्ट हो गया। अब ये स्टार्ट की जो स्क्रिप्ट है ना, ये कैसे लिखते हैं आप ज़रा मेरे कोड में जाके देख लें, मेरा जो कोड पुश हुआ है ना आखिरी, वहाँ जाके देख लें कैसे मैंने किया ये। अच्छा, और किसी का क्या प्रॉब्लम है वो भी बता दें। सर मेरे पास सर मेरा मोंगोस कनेक्ट नहीं हो रहा। मोंगोस आपका भी कनेक्ट नहीं हो रहा, शेयर कर दें अपनी स्क्रीन। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सर, मेरे पास वो स्टूडियो में डेटा उसमें शो नहीं हो रहा जैसा आपके पास शो हो रहा था। अच्छा, पहले ये कनेक्ट वाला देख लेते हैं, उसके बाद आपके स्टूडियो वाला देख लेंगे। ठीक है सर। जी आतिफ उमर, माइक अपना थोड़ी देर के लिए ओपन ही छोड़ दें और जाएं अपने कोड में। माइक थोड़ी देर के लिए ओपन छोड़ दें, कोई नहीं। अच्छा, अब इसको रन करें, कनेक्ट करने पे क्या एरर देता है आपको ये? जी आतिफ उमर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। सर अभी आई? जी अब आ रही है। सर कनेक्ट तो कर रहा हूँ लेकिन डेटा इसमें शो नहीं कर रहा है। मोंगोस कनेक्ट मेरा उसने कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। जी अच्छा, तो डेटा यहाँ, अच्छा डेटा शो नहीं कर रहा आपके पास। जी अच्छा, यहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है ना लास्ट में, सर्वर डेटाबेस, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है, इसको ओपन करें। किसमें? ये 3T स्टूडियो 3T के अंदर सर्वर, सर्वर डेटाबेस नहीं, इससे लेफ्ट हैंड की साइड पे जो बार आ रहा है ना, इसमें बिल्कुल लास्ट में आखिरी बिल्कुल। जी ये इसको ओपन करें, क्लिक करें इसको, ये ओपन हो जाएगा, सिर्फ एक क्लिक कर दें इसके ऊपर। हाँ, इसमें कलेक्शंस में जाएं आप, कलेक्शन ज़ीरो। हाँ, डबल क्लिक करें इसके ऊपर। अच्छा, कलेक्शन ज़ीरो है आपकी ना, तो यहाँ पे कोई डेटा अभी आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया हुआ, इसलिए कलेक्शन ज़ीरो आ रहा है। कंफ्यूज हो रहा हूँ किस तरह हो गई, समझ नहीं आ रहा इसके आगे। अच्छा, कोड दिखाएं आप, डेटा सेव कैसे कर रहे हैं आप, डेटा कौन से पॉइंट पे आप डेटा सेव करते हैं? आप अपना कोड ज़रा जूम इन भी कर दें, कोड आपका ना नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि डेटा आप सेव कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, न्यू यूज़र और यूज़र डॉट सेव, लाइन नंबर 66 पे, 66 पे आपने न्यू यूज़र डॉट सेव कॉल किया है। जी सही है, तो सही है, सेव तो सही किया आपने। अच्छा, एक दफ़ा आप अपना URL मुझे दिखा दें डेटाबेस का, उसमें आपने क्या लिखा है मैं देख लूँ, डेटाबेस का जो URL है आपका। जी जी दिखा, लास्ट में बिल्कुल लास्ट। अच्छा, ये है सर्वर डेटाबेस, सही है, नाम तो सही लिखा हुआ है। इस ज़रा URL को पूरे को ना एक दफ़ा कॉपी कर लें आप, इसी URL को लाइन नंबर 149 में जो है, इसको शुरू से आखिर तक कॉपी कर लें। अच्छा, कॉपी करके ना आप चले जाएं स्टूडियो 3D पर एक दफ़ा। अच्छा, ये जो आपका जो है ना कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा है जो, इसको डिसकनेक्ट कर देंगे, जो कनेक्टेड है पहले से ये डेटाबेस है ना, इस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें या डिसकनेक्ट कर दें, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, क्लोज कनेक्शन। अब यहाँ पे नया कनेक्शन बनाएं, पेस्ट योर कनेक्शन URI, पेस्ट कर दें उसको जो कॉपी किया आपने, सेव, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट करें। जी अच्छा, ऑटो कन्फिगर, सेव और कनेक्ट कर दें अब इसको, जस्ट टू मेक श्योर कि जो डेटाबेस आपके वहाँ पे कनेक्ट है वही यहाँ पे भी है। अच्छा, लास्ट में सर्वर डेटाबेस आ रहा है, इसको ओपन कीजिएगा, कलेक्शन को ओपन कीजिएगा। अच्छा, कलेक्शन अभी ज़ीरो है इसके अंदर। अच्छा, अब अपने कोड में वापस जाएं आप। अब हमें देखना पड़ेगा कि मॉडल आपने सही बनाया हुआ या नहीं बनाया हुआ। टॉप पे चले, मुझे मॉडल एक दफ़ा दिखा दें आप। हाँ, मॉडल मॉडल तो सही बनाया हुआ है आपने। अच्छा, ईमेल पासवर्ड रिक्वायर्ड है, बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे हैं, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब ज़रा इसको अब रन करें और इसमें अब साइन अप करके दिखाएं कि साइन अप करने पे तो कोई एरर नहीं आपको देता ये।
इधर तो नहीं आ रहा। अच्छा टर्मिनल तो ये अपना कंसोल तो खोल के रखे ना साथ साथ। अच्छा दूसरा ये ब्राउज़र आप जो पता नहीं कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कोशिश किया करें कि गूगल क्रोम यूज़ करें। इसका जी ये सर जो जी जो भी ब्राउज़र है आपके इसका इसका ना वो खोलें आप, कंसोल डॉट लॉग वो खोल के आप रखें। कंसोल पे जाएं, कोई एरर दिया इसने? कंसोल कंसोल ऊपर वाला है। नॉट लाइक दिस। वेल अच्छा अब इसने देखें क्या बोला है कि 400 बैड रिक्वेस्ट। सर्वर पे जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है ना वहाँ से 400 आया रिस्पॉन्स। नेटवर्क में जाइएगा क्या रिस्पॉन्स दिया सर्वर ने। कंसोल के पड़ोस में नेटवर्क है जो। दोबारा ज़रा साइन अप का बटन एक दफ़ा दबाएं। ये असल में खोला हुआ नहीं था ना आपने। ये रिक्वेस्ट 400 जो आया ना इस पर क्लिक करें, क्या सर्वर से मैसेज आया है। प्रीव्यू रिस्पॉन्स या प्रीव्यू पे चले जाएं। अच्छा ये लिखा हुआ रहा है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये वाली ईमेल पहले से उसमें मौजूद है ये लिखा हुआ रहा है, तो ईमेल थोड़ी सी चेंज कर दें। रिफ्रेश नहीं करें बस ईमेल चेंज कर देते हैं। अब चलें दोबारा कर दें, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। यूज़र इज़ क्रिएटेड, ठीक है यूज़र क्रिएटेड लिखा हुआ आ गया। अब जाएं स्टूडियो 3D में जाकर देखें वहाँ पे क्रिएट हुआ यूज़र के नहीं हुआ। रिफ्रेश कर दें इसको, कंट्रोल आर करेंगे रिफ्रेश हो जाएगा। कंट्रोल आर प्रेस कर दें बस आप, या कलेक्शन पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लें। कलेक्शन पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश ऑल। नहीं आ यार इधर तो नहीं आया, ये क्या सीन है। ज़रा मुझे आप ब्राउज़र में जाके दिखाएं कौन सी कौन से सर्वर पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अपने ही सर्वर पे भेज रहे हैं ना, या मेरे सर्वर पे तो नहीं भेज रहे कहीं। अब ब्राउज़र पे जाएं, ब्राउज़र पे ब्राउज़र पे जाएं, यहाँ पे ये जो नीचे रिक्वेस्ट की है ना आपने उस पर क्लिक कीजिएगा। यूज़र इज़ क्रिएटेड कैसे लिखा हुआ गया, रिक्वेस्ट तो गई। एक दफ़ा और ज़रा साइन अप का बटन दबाइएगा। यार ये रिक्वेस्ट जा रही है तो नीचे शो क्यों नहीं कर रहा। रिक्वेस्ट तो आपने भेजी है लेकिन नीचे शो तो नहीं कर रहा ये रिक्वेस्ट, ये क्या सीन है। फिर क्या करूँ उसके लिए, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। इसको क्लियर करें, इसको ज़रा क्लियर का बटन दबाएं क्लियर। लाल वाले के पड़ोस में। हाँ सही है। ठीक अब ज़रा दोबारा साइन अप का बटन दबाएं। ये साइन अप का जो आया ना 400, इस पर क्लिक करें। ये कौन से सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आप, हेडर्स में जाएं टॉप वाले पर हेडर्स। हाँ ये आप स्क्रॉल करें, ये आप भेज रहे हैं हरिको पे रिक्वेस्ट। जी तो अब ये हरिको साइन अप लॉग इन रेस्ट, ये आप ही का ही सर्वर है ना। हरिको पे जाके दिखाएं, ये कोड जी अपना जी पुश कर दें हरिको पे आप, जो आपने अभी लिखा है, आपने जो अभी कोड लिखा है पुश ना VS कोड में, ये सारा कोड आप पुश कर दें हरिको पे। और अच्छा ये जो अच्छा हरिको का सर्वर, ये जो URL लगाया हुआ है, ये आपका ही सर्वर है ना, ये मेक श्योर करना पड़ेगा आपको। किसी और के सर्वर पे तो नहीं भेज रहे आप ये। नहीं नहीं सर VS कोड पे जाएं, तमाम जो भी कोड लिखा है आपने वो पुश कर दें GitHub में, ताकि वो हरिको पे डिप्लॉय हो जाए जाके। पुश कैसे करेंगे, सर्वर है VS पुश करूं फिर। VS कोड में जाके पुश करेंगे ना आप, कैसे करेंगे।
सर वो गिटहब से करता हूँ मैं तो डायरेक्ट। गिटहब से कैसे करते हैं, करके दिखाएं मुझे ज़रा। तो हाँ सही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब ज़रा अपने हरिको पे चले जाएं, आप जल्दी से हरिको पे चले जाएं, मुझे दिखाएं हरिको पे क्या है आपके। हाँ सर ये वाला कोड है हरिको पे भी डिप्लॉय करना। हरिको पे तो सर्वर तो आपको हरिको पे ही डिप्लॉय करना होगा ना, वरना सर्वर काम कहाँ करेगा फिर। देखें आपके सर्वर जो हरिको पे है ना, इसका नाम है हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 6। आप किसी और के हरिको पे रिक्वेस्ट भेज रहे थे, सही है ना, वहाँ पे यूज़र क्रिएट हो रहे थे आपके। सही है, समझ आ गया क्या एरर था आपका। जी, सिर्फ दूसरा अकाउंट दूसरा बनाना पड़ेगा मतलब। ठीक है फिर मैं देखता हूँ। आप अपने अभी सही करें ना इसको जल्दी से, आप अपना ये यूआरएल कॉपी कर लें यहाँ से, जो ये हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 है ना, इसको कॉपी कर लें आप, और जाके अपने एचटीएमएल फाइल में आप ये वाली चीज़ लिखें, ये वाला यूआरएल लिखें आप। इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, ऊपर वाला हेलो वर्ल्ड जो है, ये वाला एचटीएमएल की फ़ाइल में जाएं जहाँ पे साइन अप करते हैं आप। यहाँ पे एग्जियोस कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे दिखाएं। सर यहाँ पर हाँ, ये जो आपने लिखा हुआ है ना, साइन अप डैश लॉग इन डैश फॉर्म फुल रेस्टफुल, ये आप हटा के अपना यहाँ पे नाम लिखे ना हरिको का, हटा दो पूरा नहीं हटाएंगे ना भाई, जितना पार्ट आपका होता है ना वो वाला हटाएंगे आप, डॉट हरिको डॉट कॉम से पहले वाला। नहीं, यहाँ पर आपने पूरा तो यूआरएल नहीं ना कॉपी किया यार, हरिको का यूआरएल आपको यहाँ लिखना है, ये आपने गलत पेस्ट किया है। इसको ओपन ऐप करें, क्या यूआरएल आता है देखें, ये आपका पूरा यूआरएल है, हेलो वर्ल्ड डॉट हरिको ऐप डॉट कॉम। तो शुरू का पार्ट भी अगर आप वहाँ चेंज कर देंगे तो वो बात एक ही हो जाएगी फिर। फुल चेंज करो, आप फुल चेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि आप अपने फुल कॉपी किया है, HTTP डबल डबल हो गया। हाँ बता रहा हूँ सर, और लास्ट में साइन अप भी लगाना पड़ेगा आपको। डॉट देंगे, डॉट साइन अप नहीं, डॉट क्यों देंगे, आप REST API कॉल कर रहे हैं ना, सिर्फ साइन अप लिखेंगे जो भी आपने सर्वर पे, मुझे नहीं पता आपने साइन अप लिखा है या क्या लिखा है, सर्वर पे जिस भी राउट पे आपने ये लगाया है वो राउट आप यहाँ लिखेंगे, साइन अप लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली आपने। ठीक है सर, हाँ पुश करें अब इसको, बल्कि पुश क्या करें, ये तो लोकल ही चल रहा है ना, ये तो लोकल चल रहा है, रिफ्रेश करें आप जाके साइन अप का पेज अपना, और अब रिफ्रेश करके इस पे डालें डेटा।
अनडिफाइंड आ रहा है सर अब तो। अब आपके सर्वर पे कोई ना कोई एरर आया होगा जिसकी वजह से ये अनडिफाइन आ रहा है। जाएं हरिको पे जाके लॉग्स देखें सर्वर के, कि क्या लॉग्स हैं सर्वर के लॉग्स। सर सर एक चीज़ कंफर्म करनी थी आपसे। जी सर्वर के लॉग्स देखें जाके। सर ये जो सर्वर पे हम लोग लिखते हैं स्लैश लिख के साइन अप करते हैं, ये राउट कहलाता है। जी 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 इसको रीस्टार्ट करें सर्वर को और दोबारा रिक्वेस्ट भेजें, यहाँ पे कोई ना कोई एरर आता होगा। सर्वर को रीस्टार्ट करें। हाँ जाके दोबारा सर साइन अप की रिक्वेस्ट भेजें, इसी पे भी साइन अप दोबारा दबा दें। आप देखें वहाँ पे क्या एरर आया हरिको पे। यहाँ पे साइन अप पे रिक्वेस्ट आई है और रिक्वेस्ट आई है ये तो एरर कोई प्रिंट ही नहीं हुआ है यहाँ पे। सर्वर का कोड दिखाइएगा ज़रा, सर्वर का कोड दिखाइएगा, सर्वर में साइन अप कहाँ पे बना हुआ है। ये सर्वर में साइन अप बना हुआ है आपके। अच्छा ब्राउज़र पर रिस्पांस दिखाइएगा क्या आया। ब्राउज़र पे यार ये नीचे शो क्यों नहीं कर रहा आपके रिक्वेस्ट, आप कर क्लियर करें इसको ज़रा, क्लियर करके दोबारा रिक्वेस्ट करें, दोबारा साइन अप दबाएं। 404 आ रहा है। अच्छा साइन अप ज़रा इस पर रेड वाले पर साइन अप पर क्लिक करें, इस पर URL दिखाएं क्या है। अच्छा https://hello-world12345.harico-app.com ये इसको 404 क्यों बता रहा है। अरे SI साइन अप की स्पेलिंग सही है ये SIGNUP। ज़रा सर्वर पे अपने दिखाएं, आपने साइन अप की स्पेलिंग यही लिखी हुई है स्लैश साइन अप जो है SIGNUP। सर्वर का कोड दिखाएं SIGNUP। यार सही है कोड तो, सर्वर पे नाम भी सही है मैच हुआ है। यार ये ब्राउज़र में जाएं अपने ज़रा जहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। यार इसको आप कट करके ना इस URL को, इसको गूगल क्रोम में खोलें यार। ये आपने जो ब्राउज़र खोला हुआ है ना ये मुझे लग रहा है इसका ही मसला है। इसको कट करें यहाँ से और गूगल क्रोम में इसको लेकर जाएं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान ना कोशिश किया करें सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम यूज़ करें, क्योंकि दूसरे ब्राउज़र भी ना उसके अंदर अपने मसले होते हैं। अच्छा जाएँ ज़रा इंस्पेक्ट एलिमेंट पर, नेटवर्क पे जाएं, साइड पे ही रखें उसको, साइड पे ही रखें, नेटवर्क पे जाएं। अब ज़रा यहाँ साइन अप का दोबारा क्लिक करें, मोबाइल मोड हटा दें इसका। नेटवर्क को ओपन करके रखें ज़रा, नेटवर्क का टैब ओपन कर लें। अच्छा यहाँ पे भी 404 दिया है इसने। अच्छा दिखाइएगा ज़रा ये 404 में क्या क्या बताया इसने, कुछ बताया इसने मज़ीद मैसेज। पोस्ट की रिक्वेस्ट है, HTTPS है, साइन अप है। अब जाइएगा ज़रा सर्वर के कोड में, सर्वर का कोड दिखाइएगा मुझे। पोस्ट है, साइन अप है, यार सही तो है, 404 क्यों दे रही है, क्या बकवास है ये। इस ये जो आपका जो कोड लिखा हुआ है ये इसकी गिटहब की रिपॉजिटरी ज़रा कौन सी है वो दिखाइएगा। इसकी गिटहब में रिपॉजिटरी का नाम क्या है।
अपनी प्रोफाइल पे जाएं, आप टॉप पे आ रहा होगा, इसको छोड़ दें, प्रोफाइल पे जाएं अपने, हाँ योर प्रोफाइल। अब यहाँ से रिपोजिटरीज़ में जाएं, रिपोजिटरीज़ में जाएं, सबसे पहले नंबर पे आ रहा होगा क्योंकि अभी हमने कोड पुश किया इसमें। हाँ ये रहा SI साइन अप साइन डैश लॉग इन पेज, ये है ना। अच्छा क्लिक कर दें, इसके अंदर चले जाएं। अच्छा ये साइन डॉट लॉग इन पेज है। अच्छा अब ज़रा हरिको पे जाके दिखाएं, यही वाला गिटहब कनेक्ट है या कोई और कनेक्ट है इसके साथ? अरे यार देखिए ना, इसमें तो रिपोजिटरी गलत कनेक्ट की हुई है आपने। देखिए ना इसमें आपने आतिफ उमर स्लैश हेलो वर्ल्ड कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है डिप्लॉय में जाएं आप, यहाँ से ये रिपोजिटरी इसकी डिसकनेक्ट करके दूसरी सही वाली कनेक्ट करें जो अभी इस कोड की रिपोजिटरी है। इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉय, सही है ये भी करना ज़रूरी है। अच्छा और स्क्रॉल करें नीचे, डिप्लॉय ब्रांच का बटन होगा वो दबा दें। अब इसको होने दें ज़रा नीचे, डिप्लॉयमेंट देखें इसमें कोई एरर तो नहीं दे रहा ये। अच्छा अब ज़रा लॉग्स में चले जाएं सर्वर के। टॉप पे जाएं, टॉप पे जाएं, टॉप पे जाएं। हाँ अच्छा यहाँ पे देखें एरर दे दिया इसने, एरर दिखाएं क्या है, स्क्रॉल हो रहा है ये? स्क्रॉल नहीं हो रहा तो रीस्टार्ट कर दें इसको, सर्वर को। हाँ सर्वर को रीस्टार्ट करें, कोई मॉड्यूल इसको मिला नहीं है। सर्वर को रीस्टार्ट करें ना, मोर पे जाके रीस्टार्ट का बटन आ रहा था। सही है ये लॉग्स आपको दिखेंगे प्रॉपर कि क्या है एरर है, कोई मॉड्यूल इसको मिल नहीं रहा। अच्छा मोंगोज आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ अपने कोड में, ठीक है जाएं अपने कोड में जाएं, मोंगोज आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है क्या? पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाएं, पैकेज डॉट जेसन। हाँ यहाँ पे देखें ना मोंगोज इसमें आ नहीं रहा। अब टर्मिनल खोल के मोंगोज इंस्टॉल करें आप, मोंगोज आपका इंस्टॉल कैसे नहीं है? npmi mongos। mongoose हाँ एंटर। अभी यहाँ पे ना डिपेंडेंसीज के अंदर एक नई एंट्री आ जाएगी मोंगोस की। चलें इसको कमिट करें, पुश करें। अच्छा गेट इग्नोर की भी फाइल नहीं बनी हुई आपकी, इसकी वजह से वो पूरा जो है ना गेट इग्नोर की फाइल बनाया, नॉट मॉड्यूल आपका जा रहा है, अदरवाइज नॉट मॉड्यूल नहीं जाना चाहिए। गेट इग्नोर की फाइल में नॉट मॉड्यूल का नाम लिखें। नॉट मॉड्यूल का नाम लिखें, नॉट अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, सेफ। ठीक है अच्छा नॉट मॉड्यूल बाय द वे आपका जा चुका है, ये हरिको पे चलेगी नहीं आपकी ऐप। कमेंट करके ज़रा एक दफ़ा पुश करें इसको, ये चलेगी नहीं ऐप आपकी क्योंकि नॉट मॉड्यूल जा चुका है गिटहब के ऊपर। कमेंट करें इसको, कमेंट करके पुश करें। वापस
वहीं से कमिट कर देते ना, वहीं से पुश कर देते, सही तो था VS कोड के अंदर ही से जो आपने पहले किया था। हाँ यहीं से इसको कमिट कर दें और पुश कर दें। ये आ रहा है ना सोर्स कंट्रोल 4 लिखा हुआ है जिस पे, ये वाला है। हाँ मैसेज लिखें, जाएं अब हरिको के लॉग्स में दिखाएं ज़रा। हरिको के लॉग्स, हाँ खुद ही चलेगा ये, खुद ही चलेगा, इसको रिफ्रेश नहीं करें, खुद ही चलेगा ये। रिस्टार्ट करूँ सर? नहीं नहीं कुछ नहीं करें, खुद ही चलेगा, ऑटो डिप्लॉय लगाया हुआ ना हमने, खुद ही चलेगा। हाँ ये चल गया। अच्छा अब कौन सा मॉड्यूल नहीं मिला इसको, स्क्रॉल करें ज़रा, ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया आपने। ये कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, आगे देखें नाम क्या लिखा है इसने। यार थोड़ा सा ऊपर करें ना इसको, आप थोड़ा सा ऊपर करें। बिक्रिप्ट एनजी, ये मॉड्यूल भी इंस्टॉल नहीं है आपका। दोबारा जाएं VS कोड में, ये मॉड्यूल भी इंस्टॉल करें। npm करके ना सर? हाँ npm i bcrypt dash nz डैश करके bcrypt dash nz inzi enter। सर फिर कोड पुश करना पड़ेगा? हाँ फिर कोड पुश करना पड़ेगा आपको। जाएं हरिको के लॉग्स में, दें जाके देखें क्या रिपोर्ट है, स्क्रॉल कर दें नीचे बिल्कुल, यहाँ पे भी ये खुद से चलेगा थोड़ी देर में। सर आज क्या पढ़ाएंगे आप? आज सबके ज़रा एरर पहले सॉल्व हो जाएं, जो जो सवाल आप पूछ रहे हैं लोग, फिर उसके बाद देखेंगे आगे। लॉगिन करना था गालबन आज हमने, साइन अप तो हमने कर लिया था, लॉगिन करना था हमें। जी सर लॉगिन करना। अच्छा देखो मोंगोस कनेक्टेड आ गया, ये सही चल गया बिल्कुल। अब ज़रा चला के देखो, जाओ अपने वो HTML के पेज में, HTML का पेज रन करो, चलाओ। गूगल क्रोम पे चलाया हुआ है ना पहले से। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा पेज को और इसको चला, बल्कि ऐसे ही क्लिक कर दो साइन अप, बस हो जाएगा। सही हो गया, यूज़र क्रिएटेड हो गया। अब जाके देखो स्टूडियो 3D में, अब तुम्हारे पास आना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ हुआ है। कंट्रोल आर से रिफ्रेश करो, अब आ गया यूज़र। यूज़र्स के अंदर जाओ, डबल क्लिक करो यूज़र्स पे, ये तुम्हारा यूज़र आ गया। ठीक है, अब कंक्लूजन ये है आखिर में कि तुमने डेटाबेस किसी और का कनेक्ट किया हुआ था, हरिको का URL किसी और का लगाया हुआ था, और तुम देख रहे थे अपने डेटाबेस में कि भाई यहाँ पे डेटा क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है सर, ये चीज़ समझ नहीं आ रही तभी मैंने कॉपी करके किया। हाँ तो कॉपी करने की वजह से फिर ये हुआ है आपका कि जिसका आपने कॉपी किया था ना, तो मतलब URL गिटहब URL जो था हरिको का वो भी उसी का लगा हुआ था, और डेटाबेस का URL भी उसी का लगा हुआ था।
और आपने फिर जब अपना डेटाबेस बनाया तो आप उसमें देख रहे थे, उसमें ज़ाहिर है वो आ रहा ही नहीं था क्योंकि दूसरे के सर्वर में और दूसरे के डेटाबेस में जा रही थी रिक्वेस्ट। सही ठीक है, अच्छा भाई। और सही अगर चल किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ अभी पूछ लें। सर। जी आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा रिजवान तुर्क का सवाल पहले लेते हैं, उसके बाद अक्सा का सवाल लेते हैं। रिजवान अपना ज़रा बता दें सवाल क्या है। जी शेयर कर दें। डेटाबेस के अंदर डेटा शो हो रहा है तो उस समय पर शो नहीं होता, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी दिखा दें। हो गई है सर, जी हो गई है आपकी स्क्रीन शेयर। खैर सर मैं अब ये सर जिस तरह है ना, ये मेरे पास ये मैंने दो कलेक्शन बनाई है ना, तो अब यहाँ पे मैं यूजर पे क्लिक करता हूँ तो वो जो मैं डेटा एंटर करता हूँ वहाँ यहाँ पे उसमें शो नहीं होता है ना सर, ये आईडी शो हो रही है। अच्छा आपके जो सर्वर का कोड है उसमें आपने अपना ही डेटाबेस का यूआरएल लगाया हुआ है ना या किसी और का लगाया हुआ है? दिखा दीजिएगा मुझे ज़रा, आपका अपना जी ही सर, है। अब ठहर मैं आपको बता देता हूँ, CW मैंने सारा मैं डेटाबेस और कनेक्शन कोड पे भी आ जाता हूँ। हाँ यूजर क्रिएट होता है, ये मैंने अपना ही लगाया ये है, मुझे यूआरएल एबीसी दिखाएं, कनेक्शन डेटाबेस कनेक्शन का आपने यूआरएल। बताया था। ये आपका तो नहीं है, अभी मैं ये डेटाबेस का ही है जी, ये डेटाबेस का यूआरएल ये आपका अच्छा नहीं है, ये किसी और का यूआरएल आपने लगाया हुआ है। सही है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि यूजर क्रिएट हो रहा है। यूज़र तो क्रिएट हो जाएगा लेकिन ये डेटाबेस का यूआरएल किसी और का है तो उसके उसके डेटाबेस में जा रहा है ये सारा डेटा, आपके पास नहीं आ रहा। सही है, अब या ठीक है तो सर, ये यूआरएल किसी और का है या तो जो आपने वहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है ना Studio 3D में वो किसी और का है। अब ये यूआरएल कॉपी करें ज़रा आप, एग्जैक्टली यही वाला यूआरएल, ये मुझे नहीं पता किसका डेटाबेस है, बहरहाल इसको आप कॉपी करके कनेक्ट करेंगे तो इसमें दिख जाएगा आपको वो। तभी Studio 3 में जाऊं। हाँ Studio 3D में जाएं, नया डेटाबेस कनेक्ट करें वहाँ पे, आप बहुत सारा खुल गया शायद ये। अच्छा कनेक्टेड कनेक्शन में जाएं, न्यू कनेक्शन क्रिएट करें, न्यू कनेक्शन पेस्ट कर दें वो यूआरएल, ये वो सिंगल डबल ये कोटेशन कोटेशन हटा दें, सिंगल कोटेशन इसमें से, सिंगल ठीक होम का बटन दबाया करें, शुरू में आ जाता है लाइन के, है सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट ठीक है और नेक्स्ट करें, और ये क्या हुआ? अच्छा, करें सेव करें इसको। हाँ अच्छा इसको आप कनेक्ट कर लें। हो गया सर ये अभी। स्क्रॉल करें, जाएं इसके अंदर ज़रा कलेक्शंस में, हाँ दिखाएं सोशल मीडिया सर्वर पे जाएं, लास्ट में बिल्कुल है, ये मेरा ही है ना सर, डबल क्लिक करें इस पर, कलेक्शंस पे क्लिक करें, कलेक्शन को ओपन करें। अब ज़रा ये टैंक में और यूज़र में जाके देखें क्या है। ये सिर्फ आईडी आ रही है और टैंक में भी यही होता है। अच्छा, तो अब ये डेटाबेस का यूआरएल जिसका आपने लगाया हुआ है वहाँ पे भी नहीं जा रहा। अब मुझे आप ये बताएं कि ये सर्वर जो है आपने कहाँ पे होस्ट किया हुआ है, लोकल रन कर रहे हैं इसको या हरिको पे होस्ट करके रन कर रहे हैं? इन पे जाऊं सर्वर के कोड पे जाएं, मुझे ये बताएं कि ये सर्वर आप रन कहाँ पे कर रहे हैं। से हूं, हाँ इस सर्वर को रन करें कैसे करते हैं आप, चला के दिखाएं मुझे। इस सर्वर को चलाएंगे कैसे आप, चलाते कैसे हैं इसको आप? npm start से। हाँ npm start से चलाएं, इसमें ज़रा यूज़र क्रिएट करें,
देखते हैं क्या क्रिएट होता है। अभी ये देखें, ये चल तो गया सर। ये सर्वर चल तो गया है सर अभी? सही, सर्वर चल गया। मेरे पास शायद आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है, अपना माउस आपका मूव होता हुआ दिख रहा नहीं है मुझे। दोबारा शेयर करूं फिर? हाँ, रोक के ज़रा दोबारा शेयर करें। अब ये सर अभी हो रही है सर। उस सर्वर को रन सर करें, ये चला के देखें। मेरा हाँ, ये ये सर्वर कनेक्टेड चल हो गया गया, होगा। ठीक है बिल्कुल। अब इसको जाएं साइनअप करके दिखाएं कैसे करते हैं। ये मैंने बनाया हुआ है ना, उसी पे कर लेता हूँ। नेटवर्क का टैब इसमें ओपन कीजिएगा, नेटवर्क का टैब, नेटवर्क में खोल करके। हाँ, अब ज़रा करें साइनअप। इसको इसको क्लियर कर दूँ पुराने को? नहीं, सही है। हाँ, क्लियर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर साइनअप करें, ज़रा रिक्वेस्ट कहाँ जाती है आपके, यानी लोकल आप रन कर रहे हैं ना सर्वर 3000 पे, तो रिक्वेस्ट 3000 पे ही जाएगी जब ये सही चलेगा। अच्छा, साइन अप पे दबा दें ज़रा, ये रेड वाला जो आया ना साइन अप फेल हुआ हुआ, इस पे क्लिक करें। क्या बता रहा है आपको ये? ये फेल दोबारा ही होगा वैसे। हेडर 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 नो कंटेंट, अभी हेडर हेडर क्रिएट हो गया ही। ये कह रहे नो हेडर हेडर नो हेडर हेडर पे जाएं, हेडर पे जाएं। ये रिक्वेस्ट कहाँ करता है? ये रिक्वेस्ट कर रहा है साइन अप लॉग इन विदाउट डेटाबेस। ये किसी और का सर्वर है जिस पे ये आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है। ये सर मेरा ही है, ये विदाउट डेटाबेस मैंने बनाई हुई है उसमें। हाँ, पहले तो ये गेटअप में बनाई, इसको ओरिको पे किया हुआ है। ये मैंने खुद बनाई थी विदाउट डेटाबेस। अच्छा, तो फिर आपका जो ये नया वाला कोड है जो, इसको फिर यहाँ पुश कर देना आप इसी जगह पे। दिखाएं ज़रा ये हरिको मुझे, खोल के दिखाएं। ये हरिको आपका ही है ना? अगर आपका ही है तो खोल के दिखाएं फिर मुझे। ये है ना सर, ये मेरा ही सर्वर है ये, लेकिन अच्छा चले जाएं इस सर्वर के अंदर। अच्छा, अब जो आपका जो अच्छा, लेटेस्ट अच्छा, कोड है अच्छा, जो हाँ, सर्वर के लॉग्स में जाइएगा, लॉग्स में चले जाएं सर्वर के, मोर पे क्लिक करें, लॉग्स। अच्छा, ये लॉग्स आ गए आपके। अब आप क्या करें कि अच्छा, यहाँ पे लॉग में इसने क्या बोला था कि ये ओपन नहीं हो रहे लॉग अभी तक।
सही है, सर्वर तो ये सही चल रहा है। अच्छा अब अपने सर्वर के कोड में ज़रा जाएं और वहाँ से ना एक दफ़ा पुश करें, देखते हैं यहाँ पे पहुँचता है या नहीं पहुँचता। हो सकता है आपका कोड किसी और सर्वर में पुश हो रहा हो। अभी अभी इसको मैंने पुश, वैसे गेटअप पे पुश नहीं किया है, ये जो मेरे पास है यार तो आपने माहो डीबी है, गिटहब, वो पुराना मैंने कॉपी कर कर इधर किया था ना। नहीं तो आप ये वाला कोड, आपने अगर हरिको पे पुश नहीं किया है तो फिर ये वाला कोड चलेगा कैसे? ये कोड रन ही नहीं होगा फिर तो, पुराने कोड ही रन हो रहा है सर्वर पे तो। इसको आप पुश करें ना अभी, कौन सा जो अच्छा भी वो है। हो अरे सकता हाँ, है फिर, क्योंकि इसको मैंने इसमें क्या किया आपने? ऐसे किया था ना, वो जिस तरह आपने किया ना, जिस तरह आपने किया था ना पुराने कोड की। हाँ हाँ तो उसको पुश कर देना, ये सारा यहाँ पे जो रखा हुआ है। तो जब तक ये हरिको पे जाएगा नहीं, तो आप तो हरिको को कॉल करते हैं, या तो आप हरिको को कॉल ना करें, फिर लोकल सर्वर को कॉल करें आप। अपने HTML के पेज से आप तो हरिको को कॉल करते हैं ना, तो आप लोकल सर्वर पे फिर रिक्वेस्ट मारें, क्योंकि हरिको पे तो है पुराना कोड, समझ रहे हैं बात? इसको पुश कर दें ना, ये अल्टीमेटली आपने पुश करना है ना, तो अभी कर दें। आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है मुझे बाय द वे। ठीक है सर, अभी इसको जल्दी से पुश करें मेरे सामने, ताकि इसको हम चला कर देखें फिर। पुश कैसे करेंगे आप? रिप्रेजेंट की बना दूं ना उसके हिसाब से का। अच्छा आपकी स्क्रीन शायद दोबारा स्टक हो गई है। वेल आप पुश कर दें इसको, आप पुश कर दें। यार ये आपने नई रिपॉजिटरी क्यों बनाई है बाय द वे? सर वो दूसरी में अलग अलग ही बनाता रहूँ ना, ये इसके लिए, फिर ये मोंगोस के लिए मैंने अलग से बना लिए, ये देखें, असल हमने में ऐसे ऐसे आपको ना कर ये दिया। काम पहले ही करना चाहिए था शुरू में। मैंने जिक्र किया था जैसे आप लोगों से, कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करें तो आप क्या करें, जी सर, एक नई रिपॉजिटरी शुरू में ही बना लें, और उसको आप हरिको से शुरू में ही कनेक्ट कर लें, ठीक है? अब पुराना कोड उसमें कॉपी करके कंटिन्यू ठीक करना है तो वो कर वो लें, जो भी है मतलब। ठीक सर। लोकल क्लोन वाला काम सर पहले कर लिए पता चलेगा। हाँ, क्लोन पहले आपने करना होता है, पहले एम्प्टी रिपॉजिटरी बना के उसको क्लोन कर लें आप, और उसके अंदर काम शुरू करें, ताकि शुरू से ही आपका गिटहब में कोड पहुंचा हुआ। ठीक है सर, वेल जल्दी से ये सारा कोड अब अपनी नई रिपॉजिटरी में जो है ना वो आप पुश कर दें। ठीक है सर, वो मिनट। गेट इनिट के बाद गेट एड्स पे एक होगा ना, नहीं ये तो इस फ्रॉड आता है भाई, ये इस ऐड फोल्डर के अंदर तो फ्रॉड। पहले से ही कनेक्ट है ना एक गिटहब की रिपॉजिटरी। नहीं, इस फोल्डर में तो पहले से ऐसे बना कनेक्टेड है दिया, ना। गेट इनिट कर दिया, उसके बाद ऐड। नहीं, आपने अभी जो रिपॉजिटरी बनाई है उसको आपने क्लोन कहाँ पे किया है? उसको आपने क्लोन तो किया ही नहीं है। आपने अभी जो रिपॉजिटरी बनाई है उसको आपने क्लोन कहाँ पे किया है, मुझे दिखाएं ज़रा। क्लोन अभी नहीं किया ना, वो दूसरे जो आपने पहले तरीका बताया था उसके साथ अपलोड कर दूं ना कोड को पुश अच्छा, करके, इसी में ही पहले पुश क्लोन कर ही रहे हैं, करूं। नई रिपॉजिटरी आप नहीं बना रहे अभी फिलहाल, ये कह रहे हैं आप? नहीं सर, नई बनाई है, तो उसमें पुश करना नई है ना अभी ये आपने मैंने कोड, क्रिएट कर लिया है ना, जो ये नई क्रिएट की है उसमें पुश करना है ना कोड उसी में ही आपने। पुश कर रहा हूँ, उसी में ही करूंगा ना सर, जिस तरह वो आपने पुराना तरीका बताया था उससे ही कर रहा हूँ ना, जिस तरह वो गेट नहीं इनिट और तो गेट मेरा ऐड और गेट भाई, कमेंट से देखें बोलता ये है जो ना। रिपॉजिटरी अभी आपके स्क्रीन पे खुली हुई है, आप इसमें पुश जी कैसे सर, करेंगे कोड को? क्या कमांड लिखेंगे आप? जी सर, पहले इसको क्लोन करेंगे ना आप,
ये क्लोन करेंगे तो आपके कंप्यूटर में ये पहुंचेगी, एक एम्प्टी फोल्डर आएगा, फिर उसमें कोड पेस्ट करेंगे आप जो भी इसमें भेजना है, फिर आप कमिट पुश करेंगे ना, फिर तो होगा, ऐसे तो नहीं होगा। इसको जल्दी से कॉपी करें लिंक ये वाला, और इसको क्लोन करें अपनी मशीन में कहीं पे किसी भी जगह पे। नहीं नहीं ये वाला नहीं, ऊपर जो यूआरएल आ रहा है इसका, टर्मिनल पे जाना, ये जो यूआरएल आ रहा है ना github.com, इस, हाँ इस रिपोजिटरी को क्लोन कैसे करते हैं, ठीक है वो शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं, तो इसको रिपोजिटरी को क्लोन करें आप। सही है, सीडी करके अब इस फोल्डर के अंदर जाएं आप। नहीं ये तो आप पीछे आ गए ना, पीछे नहीं आना था आपने, उस फोल्डर के अंदर जाना था आपने सीडी करके। सीडी, अब सीडी के बाद क्या करें सर? सीडी के बाद वो आप एक तो पीछे आ गए, ज़रा लिखें रिजवान के फोल्डर में दोबारा जाएं, फिर उसके बाद आप मोंगो डीबी के फोल्डर में जाएं। सीडी स्पेस होता है, सीडी स्पेस होता है मेरे भाई, सीडी स्पेस, हाँ रिजवान, बैक स्लैश तो नहीं आएगा ना? नहीं बैक स्लैश नहीं आएगा, सिर्फ आर लिख के टैब दबाएं खुद ही चलेगा ये, सिर्फ आर लिख के टैब दबाएं, हाँ एंटर करें। अब तो सीडी करके, अब सीडी करके मोंगो डीबी के फोल्डर में जाएं, सीडी करके एम लिखें और टैब दबाएं, एंटर करें। तो इस फोल्डर को वी एस कोड में ओपन करें। हो गया, मांगो डीबी में आ गया। इस फोल्डर को वी एस कोड में कैसे ओपन करेंगे आप? कोड स्पेस डॉट, कोई सीडी, हाँ कोड स्पेस डॉट, सीडी के बाद कोड लिखूँ? नहीं नहीं सिर्फ कोड स्पेस डॉट, सब हटा के कोड स्पेस डॉट। सर मेरा एक सवाल था जी, अभी ये इनका ज़रा हम सवाल पूरा कर लें, फिर आपसे भी सवाल लेते हैं, ठीक है। ये अब आपकी एम्प्टी रिपोजिटरी जो है ना, ये अब आई है आपके पास, अब आपको जो भी कोड इसमें पुश करना है इस रिपोजिटरी में, वो ला के यहाँ पे पेस्ट करेंगे आप, तमाम फाइलें वहाँ से कॉपी कर लें दूसरी वाले से और यहाँ ला के पेस्ट कर दें। अब ये इसमें हो गया, अब इसको पुश कर दूँ? हाँ पेस्ट कर दिया आपने सारा कुछ वहाँ से ला के इधर, अब इसको आप पुश कर दें जी। सर गेट इग्नोर नहीं बनी हुई इनकी, सॉरी गेट इग्नोर फाइल नहीं बनी हुई इनकी। अच्छा गेट इग्नोर आपकी नहीं बनी हुई है, सही कहा इन्होंने बिल्कुल। एक दफ़ा ज़रा फाइल्स में चलें, इतने को पुश करें पहले, आपका नॉट मॉड्यूल नहीं गेट इग्नोर बना हुआ है, बना हुआ है, सही है सही है, पुश कर दें फाइलें सारी, पुश नहीं हुई अभी तक फाइल आपकी। हाँ
हरिको में जाके ना वो पुरानी वाली रिपोजिटरी को हटा के आप अब ये वाली कनेक्ट करें, या हरिको की नई एप्लीकेशन बना के ना इस रिपोजिटरी को कनेक्ट करें उसमें। ठीक वन टू थ्री लगा लें लास्ट में इसके, अगर नाम अवेलेबल नहीं है। कोड नहीं अपलोड हुआ? नहीं, वो आपने मेरे ख्याल है दूसरे वाले में पुश दबा दिया, इस वाले में नहीं दबाया। आपके दो वीएस कोड खुले हुए हैं ना, आप वीएस कोड भी दो खुले हुए हैं आपके। अब कौन सा ये वाला है कौन सा वो वाला है कैसे पता चलेगा? इस वाले को क्लोज कर दें, ये तो पुश कर दिया आपने ना, ये वाला नहीं है, उसको क्लोज कर दें आप। नाम भी आपने एग्जैक्टली सेम रख दिया, इसी को पुश कर दूसरे को क्लोज कर दे। ये तो पुश हुआ हुआ है, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। हाँ, ये जो है ना आपका, इस वाले में नहीं पुश हुआ हुआ, जो दूसरा गिटहब है। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा आतिफ उमर के साथ भी ये वाला इशू हुआ हुआ था, आपके साथ भी ये इशू है कि आप ना कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें इसके अंदर ना चीज़ें पुश हैं सारी, अगर चीज़ें पुश नहीं होती तो ये साइड में लिखा हुआ रहा होता कि चेंजेस जो भी होती है ना वो लिखा हुआ रहा होता। ठीक है, वो नहीं लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब ये पुश हो चुका है। और ये दूसरी रिपॉजिटरी वाला गिटहब खोला हुआ है, ये दूसरी रिपॉजिटरी से जो कनेक्ट है ना वो वाला आपने वीएस कोड ओपन किया हुआ है। ठीक हो गया, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास दो वीएस कोड खुले हुए हैं ना मेरे भाई, आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला इस रिपॉजिटरी का है कौन सा वाला दूसरे वाले का है, आपको कैसे पता चलेगा? ये मुझे चेक करके बताएं ना, आप ये देखें ना, ये वाला अभी कैसे पता चल रहा है आपको, मुझे भी तो दिखाएं। आपको कैसे पता चल रहा है कि ये वही रिपॉजिटरी है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपको कैसे पता चल रहा है कि नहीं, मतलब कहीं पे इसमें सिर्फ मैंने मांगो ही लिखा है ना उसके साथ। अच्छा, आप इसके किसी भी फाइल पे, इसके आप इसके किसी फाइल पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके आप इसको करें ओपन इन फोल्डर, देखें ये कहाँ पे खोलता है। ओपन इन एक्सप्लोरर, ओपन इन रिवील इन एक्सप्लोरर। किसी भी फाइल, हाँ नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपने ये सही वी एस कोड खोला हुआ है या गलत वी एस कोड खोला हुआ है, ये आपको पता कैसे चल रहा है? ओपन विद, ओपन रिवील इन एक्सप्लोरर, तीसरे नंबर चौथे नंबर पे। सर वो जो दूसरा था उसको नहीं, ये सी में है ना सर, ये लोकल डिस्क सी में बना हुआ है। वो कहाँ पे था?
दूसरी नहीं बनी, वो डी में बना हुआ था। हाँ तो ज़रा खोले ना, दोनों को साइड बाय साइड खोले ना, देखे ना दोनों में कौन सा वाला है। मुझे तो लग रहा है ये वाला गलत आपने खोला हुआ है, वो वाला जो नया वाला है वो दूसरा वाला है, मुझे ये लग रहा है। जी सर वो लेकिन दूसरा वाला था, मैंने पता कैसे ही चलेगा, काट दिया था। पता कैसे चलेगा? अच्छा ये इसमें जो वो बना हुआ है ना गिटहब का जो ऑप्शन आया हुआ है, सही बनाया। सोर्स कंट्रोल पे क्लिक करें, वहाँ से आप इसका ये रिमोट देख लें, रिमोट से भी पता चल जाता है कि ये कौन सी रिपॉजिटरी से कनेक्ट हुआ हुआ है। आपकी स्क्रीन भी स्टक हो गई है शायद। सोर्स कंट्रोल पे कर मिलेगा सर? सोर्स कंट्रोल जो जहाँ से पुश करते हैं कोड गिटहब का, जहाँ से गिटहब में पुश करते हैं ना आप कोड, वो सोर्स कंट्रोल कहलाता है। जी सर। सोर्स कंट्रोल में जाके ना, जो थ्री डॉट है, जो ये थ्री डॉट में जाएं, यहाँ पे वो बता रहा होता है कि कौन से रिमोट से कनेक्ट है। ये थ्री डॉट पे क्लिक करें। हाँ यहाँ पे ना ये पुश नीचे वाला नहीं, एक दफ़ा व्यू में व्यू, जाओ नहीं, एक मिनट एक सोर्स। मिनट, इसमें रिमोट कहीं पे रिमोट आ रहा होगा, ये रहा रिमोट आ रहा है नीचे। स्क्रॉल करें और नीचे लाएं अपना माउस, तीसरे नंबर पे, आखिरी से तीसरे नंबर पे। अरे यार ये व्यू रिमोट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसने। जी जी सर मिल गया रिमोट। नहीं व्यू व्यू रिमोट नहीं है ना इसमें, रिमूव और ऐड है। ये रिमूव का दे रहा है। आप टर्मिनल पे जाके कमांड लिखें इसका, रिमोट देखने की एक कमांड भी होती है गिट की। गिट टर्मिनल पे जाके लिखें गिट रिमोट, इसमें गिट रिमोट, गिट रिमोट और स्पेस डाल के ओरिजिन, लिख दिए, एंटर कर दें। स्पेस डाल के ओरिजिन भी लिखें और फिर एंटर करें। ज़रा ऊपर करें, स्क्रॉल करें, ये गलत लिख दिया हमने कमांड। गेट यू आर एल था, गेट यू आर एल है शायद, गेट रिमोट गेट यू आर एल है। स्क्रॉल थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, कमांड आ रही है यहाँ पे। स्क्रॉल नीचे नीचे जहाँ नीचे स्क्रॉल करें। अच्छा ये गेट रिमोट एड गेट यू आर एल और क्या है गेट रिमोट गेट यू आर एल और नेम, गेट रिमोट गेट डैश यू आर एल, रिमोट के बाद क्या लिखूं? गेट यू आर एल, गेट डैश यू आर एल, गेट URL. डैश यू आर एल, गेट के बाद डैश है, गेट डैश यू आर एल, डैश ये हाइफन ना? हाँ हाइफन, ये ठीक है? नहीं नहीं इस पे नहीं, एंटर कर दूँ ना? देखे ना यहाँ पे ये कमांड लिखी भी आ रही है, एरर के मैसेज में ये कमांड आ रही है, सेट यू आर एल गेट यू आर एल। कॉपी नहीं करें, सेट यू आर एल, हाँ गेट यू आर एल डैश लगा हुआ ना, इस तरह करके डैश लगाए आप इसके पीछे। कॉपी नहीं करें, कॉपी नहीं करें, वहाँ पे आप टाइप करें ना, कॉपी करने में बहुत मसला होता है। सर साढ़े नौ होने आज पढ़ाएंगे आप, ये मसले तो ज़रा हल करें। पुश गेट यू आर एल और उसके बाद ओरिजिन, पुश यू आर एल रदर देन यू आर एल रिटर्न। नहीं नहीं कमांड आपने क्या लिखी, गेट यू आर एल के बाद ओरिजिन भी तो लिखें, गेट यू आर एल माइनस माइनस ऑल और उसके बाद ऑरिजिन। ये एरो आपका बटन दबाएं, वापस आएगी कमांड। अभी सर अभी लिखूं? हाँ ये आपने कमांड पूरी नहीं लिखी ना, आधी कमांड लिखी है आपने, इसमें वो आगे और भी लिखना था। गेट यू आर एल के बाद माइनस माइनस ऑल और उसके बाद ऑरिजिन, ये पूरी कमांड ये है। सही है, वो एरर के मैसेज में भी बता रहा था, इसने दोबारा बताया आपको। एरो अप का बटन दबाएं, वो पुरानी वाली कमांड वापस आ जाएगी, उसके आगे से लिखना शुरू करें। यूआरएल के बाद गेट यूआरएल के बाद माइनस माइनस ऑल स्पेस डाल के माइनस माइनस ऑल। अच्छा आपकी स्क्रीन ना काफ़ी देर से अपडेट हो रही है मेरे पास। माइनस माइनस ऑल के बाद लिखें स्पेस डाल के ओरिजिन। आई थिंक सर नेट का इशू होगा। ओरिजिन लिख लिया आपने? मेरे पास अपडेट नहीं हुई है आपकी स्क्रीन अभी तक। तो पूरी कमांड ये हुई कि गेट रिमोट गेट यू आर एल माइनस माइनस ऑल ओरिजिन।
ये अगर आपने लिख लिया तो एंटर दबा दें। URL दिखा आपको? मुझे तो नहीं दिखा अब तक, आपकी स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही मेरे पास। ये सर ये है इसका GitHub का URL जिस पे आपने पुश किया है अभी, जो अभी बनाई है इस जी पे हाँ। नहीं, ये जो आपने खोला हुआ है ना VS Code, इस पे जब आप पुश करेंगे तो ये इससे कनेक्टेड है, जो आपके सामने URL आ रहा है। ठीक हो गया, तो मतलब गलत VS Code आपने खोला हुआ था। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि आपने दो दो VS Code एक साथ खोला हुआ था और आप कन्फ्यूज़ हो गए कि कौन सा वाला आपका अभी क्लोन हुआ है, कौन सा वाला पहले का। ठीक है, ठीक है सर। इसका ये कह रहा था ना कि इसको क्लोन कर कर पहले अपलोड करूँ रिको पे, फिर उसके बाद इसको चलाऊँ। नहीं, अभी एरर तो अभी पता ही नहीं चला है, अभी तक एरर तो आपका अभी तक पता ही नहीं चला है हमें, क्योंकि आपके ये गिट वगैरह के मसले हल नहीं है अभी। तो ये चलेगा जब ये सर्वर जब पता चलेगा कि वो एरर है क्या असल में। सही है, तो अब जाएं आप, ये वाला वी एस कोड बंद कर दें आप, अब दूसरा वी एस कोड खोलें जो सही वाला है, उससे फिर उसको पुश करें, हरिको पे पहुंचेगा वो। हरिको पे पहुंचने के बाद फिर आप अपने HTML के पेज पे वो URL सही करेंगे, क्योंकि अभी आप किसी और का सर्वर कॉल कर रहे हैं शायद। ठीक है, मतलब आपका ही सर्वर है लेकिन वो दूसरा है, वो ये वाला नहीं है। तो URL सही करेंगे आप, उसके बाद आप साइन अप दोबारा करेंगे, फिर हरिको पे जाके हम लॉग्स देखेंगे कि वहाँ पे क्या एरर आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद ये जाके पता चलेगा कि एरर क्या है। ठीक है, तो अगर आप वो खुद कर लेंगे तो ठीक है, वरना अगर आप अभी उसको पुश करते हैं तो देख लेता हूँ मैं। अच्छा, मेरे ख्याल है ये डिस्कनेक्ट हो गए, आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है। सर इनकी स्क्रीन रुकी हुई है। स्क्रीन इनकी, हाँ स्क्रीन इनकी ना, इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल चल रहा है इनका। अच्छा, अभी हमारे पास एक और कोई दोस्त थे जो सवाल पूछ रहे थे, क्या उनका नाम था? अक्सा फैसल गालबन, आप सवाल पूछ रही थी, आप थी, कौन था? हाँ अक्सा फैसल जी। सर आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। सर मेरे स्टूडियो 3D में इशू, स्टूडियो यूजर शो नहीं हो रहा। अच्छा, शेयर कर दें अपनी स्क्रीन जरा। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। शेयर हो गई सर? जी आपकी स्क्रीन शेयर होना शुरू हो गई है। अच्छा, ये हाइड कर दें ज़रा, ये तो छोटा सा मुन्ना आ रहा है सामने, इसको हाइड कर दें और अपना जो है ना मसला फिर एक्सप्लेन करें। जी सर ये है ना, मेरे पास शो नहीं हो रहा, जिस तरह सबका शो रहा है यूजर नेम। अच्छा, आपने जो अपने डेटाबेस का नाम रखा है वो यही रखा है अपने सोशल मीडिया? जी। अच्छा, ये कलेक्शन के अंदर जो यूज़र्स लिखा हुआ है ना, यूज़र्स, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा एक दफ़ा। कलेक्शन के अंदर जो यूज़र्स लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक कीजिएगा एक दफ़ा। अच्छा, डबल क्लिक कर दिया आपने? नहीं किया अभी सर, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बार बना हुआ है ना, ये मेन्यू जो लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है, हाँ इस पे यूज़र्स के ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा। ये टैब्स सारे बंद करें ज़रा, ये राइट हैंड साइड पे जो तीन टैब खुले हैं ना, ये तीनों टैब बंद कर दें पहले तो आप। ये तीनों टैब ना बंद कर दें आप, ये चारों पांचों सारे टैब बंद कर दें आप, ये वाले, ये राइट हैंड साइड पे जितने टैब खुले हैं ना, क्विक स्टार्ट, इंटेलिशेल, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, ये सारे आप बंद कर दें। मेरी आवाज़ सुन पा रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये राइट हैंड साइड पे जितने टैब्स खुले हुए हैं इन सबको आप बंद कर दें पहले।
स्टूडियो 3T में राइट हैंड की तरफ जितने भी टैब खुले हुए हैं उन सबको बंद कर दें आप। आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है मुझे। हेलो हेलो जी सर, आवाज़ आ रही? जी, आप स्टूडियो 3T में तो जाएं, जो मैंने आपको टैब बंद करने का है वो आप बंद तो करें। आपकी आवाज़ मुझे अब आई है, अब आई है। आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। हेलो 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 यार ये क्या मसला है? आप क्या, अगर आप बोल रही हैं और मुझे आवाज़ नहीं आ रही तो ज़रा ये थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, ये जो सामने कॉल कट करने वाले बटन पे आ रहा है थ्री डॉट। कॉल कट करने का जो बटन है ना, इसके पड़ोस में एक थ्री डॉट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। नहीं, म्यूट नहीं करें, आप तो अपने माइक म्यूट कर दिया। अच्छा, क्या बाकी लोगों को इनकी आवाज़ आ रही है अक्सा फैसल की? ये म्यूट को हटा दें, म्यूट कर दिया आपने। दरमियान में आइए एक दफा, उसके बाद से आवाज़ नहीं आ रही। जी सर, अक्सा फैसल की स्क्रीन डिसकनेक्ट हो गई है अब मेरे पास से। अच्छा, इतने में अगर किसी का दूसरे का कोई सवाल है तो वो हम पहले ले लेते हैं, फिर ये जब कनेक्ट होंगी तो फिर इनसे। हेलो सर। जी सर, मेरा एक सवाल। जी लैला, पहले ज़रा अपना सवाल आप पूछ लें। सर मेरे पास भी स्टूडियो 3D में यूज़र का डेटा नहीं आ रहा। हाँ, शेयर करते हैं अपनी स्क्रीन। अच्छा अक्सा फैसल, आप थोड़ा सा प्लीज़ सर वेट मुझे कीजिएगा। उसमें आपका लैपटॉप नहीं लग रही थी, सर क्लोज करके ओपन करें तो फिर आता है डाटा, अच्छा वैसे रिफ्रेश करने से नहीं आ रहा। अच्छा, देखते हैं अभी, देखते हैं। अच्छा जी लैला, ज़रा बताइएगा क्या इशू आ रहा है आपके पास स्टूडियो 3D में? मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। जी आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा, सोशल मीडिया बेस पे क्लिक कर दें। कलेक्शन के अंदर दो कलेक्शन मौजूद हैं आपके, यूज़र्स पर ज़रा क्लिक करें, डबल यूज़र्स पर डबल क्लिक करें। अच्छा ये खुल गया ना आपके सामने। अच्छा यहाँ पे यूज़र्स आपके पास नहीं आ रहे। अच्छा यूज़र्स यहाँ पे नहीं आने का रीज़न ये हो सकता है, या तो आपने अपने सर्वर पे किसी और का डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ होगा, ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने किसी और का डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ होगा, किसी और का डेटाबेस या किसी और का सर्वर का यूआरएल आपने कनेक्ट किया हुआ है, इन दोनों में से कोई एक मसला है। तो आप अपने ज़रा वहाँ पे जाएं, सर्वर पे जाएं और आप मेक श्योर करें कि आपका यही वाला डेटाबेस कनेक्टेड है, BBUCL5 ये आपका कोड है, ZWM। हाँ डेटाबेस तो यही कनेक्टेड है आपका, बिल्कुल सही डेटाबेस कनेक्ट है। अच्छा अब आप ना मुझे आप HTML का पेज दिखाएं, वहाँ पे आप जो सर्वर कॉल करती हैं वो कौन सा सर्वर कॉल करती हैं आप? index.html पे जाएं, इसमें यहाँ जो सर्वर का आपने URL लगाया हुआ है यानी साइन अप का बटन क्लिक होने पे जो रिक्वेस्ट जिस सर्वर पे जाती है वो कौन सा सर्वर है? index.html पे चले जाएं। आपकी स्क्रीन भी स्टक हो गई है मेरे पास शायद। अच्छा यहाँ पे एग्जॉस्ट जहाँ पे आपने कॉल किया हुआ है वो जगह दिखाएं मुझे। लॉग इन साइन अप एक्सप्रेस ऐप, ये आपका ही सर्वर है, किसी और का तो नहीं है ये? जी। अच्छा मुझे इसका हरी को दिखाएं। नहीं, नहीं, मेरा ही। इसका आप मुझे हरी को दिखा दें। हाँ यार ये तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है आपने। हाँ हरिको पे लॉग्स में चले जाएं, हरिको के क्लिक कर दें, हरिको पे। हाँ लॉग्स बिल्कुल सही है, आपने लॉग्स खोले हैं। अच्छा अब यहाँ पे ना यहीं पे इसको स्क्रीन को रखें आप, और अब आप साइन अप करें और देखें यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है तो क्या होता है। एक मिनट एक मिनट, ज़रा वापस लॉग में जाइएगा, आपका सर्वर रुका हुआ है, आपका सर्वर स्टॉप हुआ हुआ है शायद।
आइडलिंग आइडलिंग स्टॉपिंग ऑल, इसको ज़रा एक दफ़ा रीस्टार्ट कर दीजिएगा सर्वर को, रीस्टार्ट ऑल डाइनोज। आपके सर्वर पता नहीं क्यों रुका हुआ था। अच्छा npm start, ये आपका सर्वर चल गया। और ज़रा एक साइन अप की रिक्वेस्ट भेजें यहाँ पर, अच्छा ये जो पहले आपने रिक्वेस्ट भेजी है इस पर ज़रा क्लिक करके मुझे URL चेक करवाइएगा इसका, आपने सही URL कॉल हो रहा है यहाँ से क्या जो नेटवर्क में। साइन अप पे क्लिक कीजिएगा, साइन अप जो लिखा हुआ रहा है नेटवर्क कॉल में। लॉग इन साइन अप एक्सप्रेस ऐप। अच्छा अब देखें ज़रा हरिको पे वो पहुंची है रिक्वेस्ट, अभी जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है यहाँ से तो सही गई है बिल्कुल। हरिको पे वो रिक्वेस्ट पहुंची है? जी बिल्कुल पहुंची है, ज़बरदस्त, यूज़र क्रिएट भी हो गया। लॉग इन साइन अप एक्सप्रेस ऐप। अच्छा अब ज़रा स्टूडियो 3D में जाइएगा एक दफ़ा और, यूज़र्स पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश का बटन दबाइएगा। ये क्या सीन है? यूजर्स पे एक दफा और डबल क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक कर दें यूज़र पे, नहीं नहीं रिफ्रेश तो हो चुका था एक दफ़ा, बस यूज़र पे डबल क्लिक कर दें एक दफ़ा और। अच्छा अभी भी नहीं आया डेटा यार इसमें। अच्छा अब हमें ये मेक श्योर करना है, देखें रिक्वेस्ट तो आपके ही सर्वर पे आती है सही है, अब हमें ये मेक श्योर करना है कि आपका जो सर्वर है, जो सर्वर का कोड है आपका, जाएँ ज़रा सर्वर के कोड में जाएँ, कुछ चेंजेस करें छोटी मोटी उसमें, और चेंजेस करके पुश करें। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जिस रिपॉजिटरी में आप अपना सर्वर का कोड भेजती हैं क्या वो रिपॉजिटरी सही हरिको से कनेक्ट है या गलत हरिको से कनेक्ट हुई हुई है। इसमें छोटी मोटी चेंजेस करें, कुछ एक स्पेस वगैरह डालें कहीं पे और पुश करें उसको, किसी भी जगह पे एक स्पेस डाल दें हल्का सा। हैंग हो गया है। ओके अच्छा वेल आप ज़रा वैसे ही अपने ना VS कोड आपका अभी भी हैंग है? हाँ आ गया, स्पेस एक डाल दें आप, और स्पेस डाल के ना अभी भी हैंग है। VS कोड को बंद कर दें आप, बंद करके दोबारा खोल रहे हैं। VS कोड जो नीचे टास्क बार में आ रहा है ना, या भाई राइट क्लिक करें टास्क बार के ऊपर, राइट क्लिक करके इसको क्लोज कर दें यहीं से। राइट क्लिक भी नहीं हो रहा, हाँ यहाँ से क्लोज का बटन दबा दें। सर लॉगिन के लिए अलग सर्वर बनाना पड़ेगा? क्लोज विंडो। लॉगिन के लिए अलग क्या मतलब सर? लॉगिन के लिए अलग कनेक्ट करना पड़ेगा सर्वर वगैरह, जैसे अभी जो काम किया। नहीं साइन अप और लॉगिन एक ही सर्वर पे होगा ना, एक ही सर्वर पे होगा, अलग अलग नहीं होगा। लॉगिन का ही मतलब डेटा शो करवाया? मैं समझा नहीं आपकी बात, मैं आपकी बात नहीं समझा कि लॉगिन का डेटा कैसे शो करवाया। जैसे हम साइन अप कर रहे हैं, साइन अप का डेटा शो करवा रहे हैं ना। हाँ लॉगिन हम करेंगे तो लॉगिन का भी डेटा शो करवाएगा। हाँ लॉगिन उसी उसी सर्वर में होगा, लॉगिन के लिए अलग सर्वर नहीं बनेगा।
ठीक है। अब हमारा एक ही सर्वर होगा जिसमें पूरी ऐप बनेगी हमारी, सही है, सर्वर दो तीन नहीं होंगे। अच्छा ये तो इनका डिस्कनेक्ट हो गया। लैला आपकी स्क्रीन जा चुकी है मेरे पास से। आपकी आवाज़ भी आना बंद हो गई है शायद। लैला आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सर जी। हेलो जी हमजा। सर वो जो आपने 10 क्लास की रिकॉर्डिंग की थी ना, वो आप कह रहे थे कि वो सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं, वो जो सर कोड रहता था, तो वो अगर आप एक बार जस्ट वो थ्रो हो जाए उससे जो रिकॉर्डिंग में नहीं आया था। असल में वो मैं तो वो मैं जब रिवाइज़ करवाऊँगा ना, जब मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, अभी तो मैं ज़रा मसले देख रहा हूँ सब लोगों के, ठीक है, ये ज़रा मसले सबके हल हो जाए। अच्छा, फिर वो जब मैं पढ़ाई शुरू करूँगा ना, तो मैं वो कोड सारा रिवाइज़ कर दूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। जी लैला अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दें आप। सर MongoDB का URI कैसे मिलेगा और स्टूडियो 3D की कनेक्टिविटी थोड़ा रिवाइज कर दें। आ गई आपकी स्क्रीन। सर MongoDB का कंपास क्या होता है? MongoDB कंपास भी स्टूडियो 3D की तरह होता है। बहुत सारे स्टूडियो 3D की तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस क्लाइंट, ठीक है, तो डेटाबेस क्लाइंट है वो भी एक। अच्छा लैला आप एक काम करें, ज़रा आप पहले अपना टास्क मैनेजर खोल के दिखाएं मुझे कि आपके मशीन में मसला क्या हो रहा है, इतना स्लो क्यों चल रहा है, इसके शायद कुछ इसका हल पहले हमें करना पड़ेगा। टास्क बार जो है ना, नीचे टास्क बार जो आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करके ज़रा टास्क मैनेजर ओपन कीजिएगा। लैला आपको मेरी आवाज़ आ रही है? टास्क बार पर ज़रा राइट क्लिक करके अपना टास्क मैनेजर ओपन कीजिएगा। मैं ज़रा देखना चाह रहा हूँ कि आपके टास्क मैनेजर के अंदर क्या इशू है, आपके मशीन के अंदर कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से बहुत स्लो चल रही है आपकी मशीन। ओपन करते हैं इसको, टास्क मैनेजर को ओपन हो गया। परफॉर्मेंस पे क्लिक कीजिएगा। ये टास्क मैनेजर आपका डबल डबल ओपन हो गया है, छोटा वाला जो है इसको बंद कर दें, बड़े वाले को रहने दें, छोटा सा जो खुला है उसको बंद कर दें। अच्छा परफॉर्मेंस पे क्लिक करें, सामने जो लिखा हुआ है परफॉर्मेंस। अच्छा आपके पास जो है ना मसला ये हुआ हुआ है कि आपके पास रैम का इशू हुआ हुआ है। अच्छा अब गूगल क्रोम पे जाके एक नया टैब ओपन करें, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। गूगल क्रोम पे जाएं, एक नया टैब ओपन करें, इसमें लिखें गूगल पे मेमोरी बूस्टर और साथ में लिखिएगा फाइल हिप्पो, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको आप इंस्टॉल कर दें, आप उससे आपका पीसी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा।
अच्छा कोशिश करें कि रैम आपकी 4 GB जो है ना उसको आप बढ़ा लें, 8 GB कर लें। वेल ये जो मैं सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ इससे रैम काफ़ी आपका सेट हो जाएगा, उसके बावजूद भी इशू हो ना तो इस प्रॉब्लम का हल बता रहा हूँ आपको मैं ये पक्का। मेमोरी बूस्टर और स्पेस फाइल हिप्पो साथ में। हाँ चले जाएँ इसके अंदर, हाँ पहला वाला लिंक है चले जाएँ, इसको डाउनलोड का बटन दबा दीजिएगा इसमें जाके। अच्छा ये ना सब लोग कर लें अपने पास, ये जिसके पास भी रैम का इशू है ना, क्योंकि विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें मेमोरी लीकेज का इशू आया है और ख़त्म नहीं किया है इन्होंने जानबूझ के पता नहीं क्यों। डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़, ये जो मैं बता रहा हूँ ना सॉफ्टवेयर, ये सब लोग कर लें जिनके पास भी 4 GB रैम है ना, या इवन 8 GB रैम भी अगर किसी के पास है तो वो भी कर लें इसको, इससे थोड़ी जो है ना रैम खाली करता रहता है ये। इसको कट करना है, नो थैंक्स विल कंटिन्यू, नो थैंक्स करना था शायद। हाँ ये आ गया, सही है, हो रहा है, सही है, हो रहा है डाउनलोड अभी। यार एक दो दिन से इंटरनेट भी कुछ सब लोगों का ही आज डाउन चल रहा है शायद, मुझे ऐसा फील हो रहा है। नहीं अभी दोबारा नहीं क्लिक करना था कहीं पे, नहीं क्लिक नहीं किया मैंने। ओ कितना टाइम लगाएगा ये। हाँ हुआ हुआ हुआ, इसको ओपन फोल्डर कीजिएगा। अच्छा गूगल क्रोम के जो एक्स्ट्रा टैब है ना इसको आप बंद कर दें, अब इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, जिस टैब की ज़रूरत नहीं है उसको बंद कर दें गूगल क्रोम के। अच्छा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए, मैं वापस आ चुका हूँ। जाएँ ज़रा ओपन फोल्डर करें जहाँ पे डाउनलोड हुआ है वहाँ पे जाएँ, कहाँ होता है डाउनलोड आपके पास। ओपन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आपके पास। आप एक काम करें टास्क मैनेजर ज़रा खोलिएगा, ये सारी जो ऐप चल रही है ना इन सबको बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, ताकि जल्दी जल्दी काम हो। टास्क मैनेजर पे दोबारा क्लिक करें, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? स्क्रीन शायद इनकी स्टक हो गई है यार, इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा एक और भी कोई बंदा था जो कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। हाँ भाई सारे तुमसे हो गया, बन गया तुम्हारा? अच्छा नौमान, हाँ भेजो लिंक भेजो अगर बन गया तो। साइन अप जितना मैंने बनवा दिया था उतना सब लोगों से बन गया है सर जी। पहले वो
जी बोलें, आवाज़ आ रही है सर, पहले वो आपकी आवाज़ चले गई थी मेरे पास, तो मैं वापस शेयर करूं? हाँ जी, आप वापस शेयर करें ज़रा अपनी स्क्रीन। मैं करती हूँ। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था लास्ट के अपने वी एस कोड में एक स्पेस डाल के पुश करें ना, आप ये कहा था ना मैंने? असल में मैं भूल गया हूँ कि आपका मैंने कितना चेक कर लिया था और अब आगे क्या चेक करना है। सर मैंने ना थोड़ा लॉगिन का भी किया है, लेकिन ना मेरा अक्सा आपकी स्क्रीन मेरे पास से जा चुकी है। स्क्रीन शो हो रही जी, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। मैं ये पूछ रहा था कि आपका मैंने कहाँ तक देख लिया था, क्या क्या चीज़ें आपकी मैंने चेक कर ली थी अभी। सर ये मैंने है ना स्टूडियो 3D पे इधर तक आई थी और फिर आपकी आवाज़ चली गई थी। हाँ, ये यूज़र्स पे ज़रा क्लिक करें, डबल क्लिक करें यूज़र्स पर। बस कुछ चेक किया था आपने? हाँ, यहीं पे था मैं, सही मुझे याद आ गया। ये राइट साइड पे जो सारे टैब खुले हुए हैं ना, ये सारे टैब को आप क्लोज करें। सर यूज़र पे क्लिक करिए। अच्छा एक दफ़ा रुक जाएं आप, एक दफ़ा ये राइट साइड पे जितने भी टैब्स हैं ना, इन सारे टैब्स को एक एक करके क्लोज कर दें आप, ठीक है? इन सारे टैब्स को एक एक करके क्लोज करने के बाद फिर आप हेलो 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 अच्छा ये ना मैं अपने पास से देखता हूँ, मेरे पास भी अगर इस तरह की स्क्रीन आ रही है ना तो मैं अपने पास से दिखा देता हूँ। स्टूडियो 3D ऐप मैंने ओपन की है अपने पास, ठीक है? मैं देखता हूँ अगर मेरे पास भी सेम UI अगर आ रही है तो मैं आपको अपने पास से जो है ना ये चला के दिखा देता हूँ कि ये कैसे चलेगा, ठीक है? खुल जा सिम। जी सर आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ अब आ रही है। जी सर ये मेरे पास शो हो रहा है, इसका क्या करूँ? हाँ अब आपके पास जो शो हो रहा है ना, इसमें ऊपर प्ले का बटन दिख रहा है आपको, ये प्ले का बटन दबाइएगा। जी ये वाला? हाँ नहीं, इसके पड़ोस में जो पहला वाला प्ले का बटन है, रन स्टेटमेंट करके होगा ना, क्या नाम होगा इसका? फाइंड क्वेरी विल रन विदाउट असिस्ट, रनिंग क्वेरी। ये आपके पास आ गया डेटा। अच्छा ये जो जी सर ये शो हो गया, शो हो गया ना, नीचे वाली जो विंडो है ना उसको थोड़ी छोटी कर दें आप, स्क्रॉल इसको ना पकड़ के ना थोड़ा नीचे वाले विंडो को बड़ा कर दें, ऊपर वाली विंडो को छोटा कर दें। ये दो विंडोज़ है ना, एक ऊपर विंडो है जिसमें लिखा हुआ है गेट DB कलेक्शन यूज़र
डॉट फाइंड, एक नीचे ऊपर वाली विंडो में ये लिखा हुआ है और नीचे वाली में लिखा हुआ है ये टेबल जो बनी हुई आ रही है, इसको थोड़ा ऐसे आप बड़ा कर लेना तो आपको फिर सही दिखेगा, ये अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ये मैं अपने पास से भी स्क्रीन शेयर करके ना ये चीज़ दिखा देता हूँ। असल में जब तक आपका जो ट्रेल है ना, जब तक आपका ट्रेल चल रहा है, जो फ्री ट्रेल है ना 30 डे का, जब तक आपका ट्रेल चल रहा होगा ना तो आपको स्क्रीन दिखेगी थोड़ी मुख्तलिफ, लेकिन मैंने जो है ना ट्रेल को बंद कर दिया है, अंदर से जाके बंद किया है ट्रेल को मैंने, ठीक है। तो फ्री वर्जन जब आप खोलेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा जैसा मेरे पास दिख रहा है अब यहाँ पे। अच्छा, ये जो कनेक्ट हुआ है ना इसको मैं डिसकनेक्ट कर लेता हूँ, सही है, ऐसा खुलेगा आपके पास। और जब आप यहाँ कनेक्ट का बटन दबाएंगे, ये आपका एक कनेक्शन बना हुआ है, डबल क्लिक करके इसको आप कनेक्ट करेंगे, मेरी स्क्रीन होपफुली सब लोगों के पास दिख रही होगी। तो ये इस तरह कनेक्ट हो रहा है अभी, और कनेक्ट होने के बाद ये ऐसे साइड पर बना हुआ आ गया। अब यहाँ से मैंने सोशल मीडिया बेस खोला, सही है, सोशल मीडिया बेस खोलने के बाद ये यूज़र्स जो लिखा हुआ है इस पर मैं क्या करूँगा, या तो डबल क्लिक कर दूँगा या तो राइट क्लिक करके क्या बोलूँगा मैं उसको, गम 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 गम, वेल डबल क्लिक ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, डबल क्लिक मैंने कर दिया है इस पर, कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक दफ़ा और कर देते हैं। हाँ, अच्छा, पिछली दफ़ा मैं ठीक से डबल क्लिक नहीं हुआ था शायद। तो डबल क्लिक करने के बाद ये नीचे कनेक्टिंग टू पता नहीं क्या कर रहा है, किसी चीज़ से कनेक्ट हो रहा है, ऑथेंटिकेशन कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, इसको करने देते हैं थोड़ी देर तक। अच्छा, ये कनेक्शन इसने जो है ना अपना पूरा कर लिया, कुछ इस तरह की चीज़ उस कर रहा था, रनिंग हो रहा है अभी भी ये। अच्छा, जब रनिंग कंप्लीट हुआ तो मुझे इसने ये डेटा ला के यहाँ पर दिखा दिया। इस डेटा के अंदर मैं इसका जेसन व्यू है तो उसको मैं टेबल व्यू भी कर सकता हूँ, इसको मैं ट्री व्यू भी कर सकता हूँ, ठीक है, तीन तरह के। तो टेबल वाला व्यू शायद सबसे सही है, दिख जाता है डेटा सामने फ़ौरन, ठीक है। मैं इसको कट कर रहा हूँ, इसको कट करके मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया इस यूज़र के ऊपर, तो मुझे क्या किया इसने, यहाँ पे ये खोल दिया। अच्छा, इस विंडो को मैं छोटा बड़ा यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, अब ये थोड़ी देर तक कनेक्ट होगा, उसके बाद ये आपको डेटा ला के खुद ही शो करवा देगा थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, अगर ख़ुद से नहीं करवाता ये डेटा शो तो आपको ये प्ले का बटन है ना, ये प्ले का बटन आपको चलाना पड़ेगा, उससे ये क्वेरी दोबारा रन करेगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाला प्ले का बटन है वो, इसके ऊपर हवर करने से क्या बोलता है ये बटन, इस बटन का नाम क्या, रन एंटायर स्क्रिप्ट, ये नाम है, रन स्टेटमेंट एट कर्सर। तो ये फर्स्ट वाला जो है ना, रन एंटायर स्क्रिप्ट, ये आपको दोबारा से क्लिक करना होगा। तो जो फ्री वाला वर्जन है ना वो कुछ इस तरह का नज़र आता है, ठीक है। ये जो फ्री वर्जन है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। फ्री वर्जन में ये बहुत सारे बटन्स यहाँ पे जो होते हैं ना वो गायब हो जाते हैं, और बहुत सारे फीचर्स भी आपके जो है वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी अपना ट्रेल क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया है अंदर से जाके। ये मुझे ऑप्शन भी दे रहा है कि रिज्यूम योर ट्रेल, अच्छा रिज्यूम खुद ही हो गया, वाह भाई वाह। अच्छा, ये ट्रेल जब खत, अब देखें, अब इस तरह जब ये ट्रेल ओपन हुआ है ना तो ये सारे बटन भी शो हो रहे हैं, और जब डबल क्लिक करूँगा मैं तो UI भी कुछ इस तरह की खुलती है और काफ़ी जल्दी खुल रही है, ठीक है। लेकिन अब मैं ट्रेल को जाके कर देता हूँ डिसेबल, यहाँ से माई लाइसेंस, माई लाइसेंस में जाके मैंने कहा ट्रेल से क्या कर दो, ये है मेरा ट्रेल, इसको मैंने क्या कर दिया, डिसेबल ट्रेल, ठीक है, डिसेबल ट्रेल और क्लोज। जैसे ही मैंने डिसेबल किया आप देखें चीज़ें सारी चेंज हो गई, डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, और डबल क्लिक करते ही अब मुझे दोबारा से फ्री वाली जो, फ्री वाला जो वर्जन है उसकी स्क्रीन मुझे दिखना शुरू हो गई है, ठीक है। क्या वैसे बेवकूफ़ी की बात है इन्होंने भी ना, उसमें इतनी स्पीड में खुल रहा है और इसमें इतने स्लो खुल रहा है, सिर्फ ट्रेल और उसका वर्जन है, ट्रेल का और उसका फ़र्क है, ठीक है जी। तो ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा डेटा में यहाँ पर दिख गया है, इसको मैं वापस से बंद कर देता हूँ, ठीक है, और मैं वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, और स्टॉप कर देता हूँ अपनी मैं प्रेजेंटेशन। अच्छा, स्टॉप करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि अच्छा, लैला का हमने इशू देख लिया था, वो सॉल्व हो गया। एक और भी कोई दोस्त थे जो, अक्सा फैसल आपका, हेलो सर जी, मैं स्क्रीन शेयर करूँ, इशू सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, आपका इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, करें ज़रा स्क्रीन शेयर। अच्छा, वो मैंने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया था फाइल इपो से, वो किससे करवाया था, लैला आपसे करवाया था मैंने मुझसे जी। तो वो आप ज़रा जल्दी से खोलें, उसको इंस्टॉल कर लें आप, उसको इंस्टॉल करने का तरीका बता देता हूँ आपको। वो इंस्टॉल करेंगे आप तो फिर आप क्या ना, पीसी थोड़ा आपका सही चलेगा फिर ना, बहुत स्लो चल रहा था वो। हाँ, ये डबल क्लिक करें मेमोरी बूस्टर पे, इसको ओपन कर लें डबल क्लिक करके।
ये नीचे जो चीज़ें खुली हुई हैं ना, आप टास्क मैनेजर में जाएं, एक एक काम करें, आप टास्क मैनेजर में जाएं, नीचे जो आपके पास पहले से चीज़ें खुली हुई हैं ना, इसको आप बंद कर दें सबको, ताकि आपका कुछ रिसोर्सेज फ्री हो जाएं। टास्क मैनेजर पे क्लिक करें, जो पहले से ही खुला हुआ है टास्क मैनेजर आपके पास, हाँ यहाँ पे क्लिक करें, इसमें आप जाएँ प्रोसेस में जाएँ, आप फर्स्ट वाला जो है, सबसे प्रोसेस फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, इसमें जाएँ आप, और ये जो स्टूडियो 3T है ना ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करके एंड टास्क कर दें, एंड टास्क, ठीक है, इसके नीचे VS कोड है, इसको भी एंड टास्क कर दें राइट क्लिक करके VS कोड पे, ताकि ना ये कुछ पहले से जो मेमोरी लेके बैठी हुई है ना सॉफ्टवेयर, ये ज़रा क्लियर हो जाए मेमोरी आपकी। गूगल क्रोम को मत कीजिएगा एंड। अच्छा, एक दफ़ा ज़रा मेमोरी पे क्लिक कीजिएगा, एक दफ़ा जाके जो मेमोरी लिखा हुआ है ना इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा, जहाँ 96 और मेमोरी लिखा हुआ आ रहा है, 97% 96% टॉप पे, ऊपर टॉप पे, टास्क मैनेजर में टॉप पे, हाँ यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कीजिएगा। अच्छा, ये VMEM ये क्या चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा रैम इसने ली हुई है आपकी, राइट क्लिक करके इसको एंड कर दें, ये जो भी चीज़ है VMEM जो है ना, इस पर राइट क्लिक करके इसको एंड टास्क कर दें, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये आपने कोई शायद, अच्छा ये एक्सेस डिनाइड, ये गालवन कोई वायरस है सही है, इसको अभी इसको कैसे हल करेंगे हम इस मसले को, राइट क्लिक करके ज़रा ओपन फाइल लोकेशन कीजिएगा, इसकी फाइल लोकेशन ज़रा देखते हैं क्या है, इसी फाइल इसी पे ना राइट क्लिक करके इसका ओपन फाइल लोकेशन करें, ओपन फाइल लोकेशन, ये आपके पास गालवन कोई वायरस आया हुआ है, ये तो आपको विंडोज़ दूसरी करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये एंड टास्क तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना। अच्छा वेल, फ़िलहाल आप छोड़ दें, मतलब समझ में आ गया, ये मेमोरी बूस्टर फ़िलहाल इंस्टॉल कर लें आपको, डब्ल्यू क्या, हेलो आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, हेलो जी क्या कहा आपने, डब्ल्यू किया है, इसलिए इस तरह हो। अच्छा 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 वेल, जाके मेमोरी बूस्टर ज़रा इंस्टॉल कर लें हमने ना, मेमोरी बूस्टर पे डबल क्लिक कीजिएगा। सर कोई VM तो नहीं चल रही है, ये VM का होता है ये प्रोसेस? अच्छा ये VM का होता है ना, ये डॉकर, डॉकर ने आपकी ये जगह ली हुई है, अभी मुझे समझ में आ गया, ये डॉकर आपके ना चल रहा है मशीन में, और उसकी वजह से ये पूरी मशीन भी हैंग है आपकी, सब कुछ हैंग है। डॉकर पे क्या एक्टिवली आप काम कर रहे हैं इस वक्त? एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें इसको, एक्सट्रैक्ट हेयर, अच्छा डॉकर पे अगर आप एक्टिवली अभी राइट नाउ अगर आप काम नहीं कर रहे थे ना, तो उसको क्लोज कर दें, उस मशीन को शट डाउन कर दें, ये आपके पास जो टाइम लिखा हुआ आ रहा है ना जिस जगह पर, हाँ इस वक्त आपके एक्टिवली डॉकर पे काम कर रहे हैं अभी राइट नाउ, डॉकर आपके पास रन हो रहा है पीछे, और वो डॉकर की ही वर्चुअल वर्चुअल मशीन है, ऐसे इसको बंद नहीं कर सकते आप, यहाँ से बंद नहीं होगा ये, यहाँ से बंद नहीं होगा ये, यहाँ से बंद नहीं होगा ये, आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ना आपके टास्क बार में, यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे डॉकर आ रहा है, हाँ राइट क्लिक करके ना इसको यहाँ से रन करना, स्टॉप करना पड़ेगा, राइट क्लिक करें, क्विट डॉकर, हाँ अब ये क्लोज होगा, आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होगा, ये थोड़ा टाइम लगता है इसको क्लोज होने में भी, ये अगर उसकी वर्चुअल मशीन होगी ना तो ये गायब हो जाएगी थोड़ी देर में अभी। अच्छा रनिंग ही है अभी तक बाय द वे, स्टॉपिंग, अब स्टॉपिंग शुरू हुआ है, थोड़ा टाइम लगता है इसको स्टॉप होने में, सर ये डॉकर क्या चीज़ है? डॉकर एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा वो VMEM तो अभी तक खड़ा हुआ है, वो तो कहीं नहीं गया अभी तक। अच्छा वो आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी अपनी रिलीज कर रहा है, सही है ना, 80% पे आ गई आपकी मेमोरी,
अब आपकी मशीन आप देखें वो बिल्कुल सही चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रैम आपकी बिल्कुल ऊपर गई हुई थी, और 4 GB रैम पे ना डॉकर रेकमेंडेड नहीं है 4 GB रैम पे चलाना ना। वेल अब जल्दी से जाएं पीछे, ये मेमोरी बूस्टर है इसको आप इंस्टॉल कर लें, ताकि आपकी ये रैम ना, मेमोरी बूस्टर क्या करता है, अच्छा ये जो फोल्डर बना हुआ है ना, इस फोल्डर को कट करें, यहाँ से कंट्रोल एक्स करें इस फोल्डर को, पीला वाला जो फोल्डर है, कंट्रोल एक्स या कट, हाँ कट करें इसको, सी ड्राइव के रूट पे जाएं, सी ड्राइव में चले जाएं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अच्छा अब इस फोल्डर के अंदर जाएं, अच्छा ये जो लास्ट से तीसरे नंबर पे है ना एग्जी फाइल, इसको चला दें, इसको रन कर दें, एग्जी फाइल को ओपन, हाँ और इसमें ऑप्शन में जाके ना इसको ऑटो स्टार्ट पे लगा दें, ऑप्शन पे जाएं, एक ऑप्शन आ रहा होगा अंदर स्टार्ट, सबसे पहला वाला स्टार्ट मेमोरी बूस्टर व्हेन विंडो स्टार्ट, बस और अप्लाई करके इसको ओके कर दें, हो गया, और इसको अब क्लोज कर दें कोने से, क्रॉस क्रॉस का बटन दबा दें, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज का ऑप्शन है, हाँ बस वो अब खुद ही अपना काम करता रहेगा बैकग्राउंड में। अब अपना टास्क मैनेजर खोलें, देखें रैम आपकी काफ़ी सेट हो गई होगी, रैम आपकी अभी कहाँ पर है, परफॉर्मेंस में जाइएगा, परफॉर्मेंस देखें रैम आपकी एकदम नीचे आ गई है, अब होपफुली अब आपका कंप्यूटर थोड़ा बेहतर चलेगा पहले से। अच्छा अब ज़रा आपने आपका अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था, आपके डेटाबेस में डेटा नहीं आ रहा था, ये प्रॉब्लम था, क्या हो रहा था जी? अच्छा डेटाबेस ज़रा खोल दें वापस से, आपके पास यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा है, डेटा आपके पास शो नहीं हो रहा। अच्छा अब ज़रा आप मुझे वो दिखाएं, वीएस कोड ओपन कर लें, वीएस कोड ओपन कर लें, और वीएस कोड ओपन करने के बाद ना आपका हमने वो देख लिया था सर्वर, सर्वर आपका बिल्कुल सही है, सब कुछ ओके है, इस वीएस कोड के अंदर जो भी आपकी फ़ाइल खुली हुई है इसमें एक स्पेस डाल के ना कमिट करें आप, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो कोड आपका लिखा हुआ है ये जिस रिपॉजिटरी में जाता है आया वही रिपॉजिटरी हरिको से कनेक्टेड है या कुछ और है। फेल टू सेव index.html, index.html से कंट्रोल एस कीजिएगा, सेव नहीं हुआ ये, सेव कंट्रोल एस कीजिएगा एक दफ़ा और स्पेस देके, हाँ इसको ओवरराइट का बटन दबा दें, ओवरराइट गुड। अच्छा अब इसको कमिट कर दें इस चेंजेस को, और पुश भी कर दें, आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है शायद, आपका माउस मूव कीजिएगा, मूव मुझे मूव होता हुआ दिख रहा नहीं है आपका माउस।
हाँ ठीक है, अब हरिको के लॉग में आ चुके हैं आप, वेल डन। अच्छा तो वहाँ से जो हमने पुश किया ना कोड, तो यहाँ पे उसकी चेंजेस आ जानी चाहिए। बिल्ड सक्सीड, यार बिल्कुल सही है कोड तो आपका, और बिल्कुल सही सही जगह से कनेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा अब आपका प्रॉब्लम ये है कि आप जब इसमें यूज़र क्रिएट करते हैं तो यूज़र क्रिएट नहीं होता, ये प्रॉब्लम है राइट। अच्छा आप ज़रा एक दफ़ा स्टूडियो 3T में जाइएगा, आपके तीन चार कनेक्शन बने हुए हैं ना जो उन सबको रिमूव करते हैं और एक कनेक्शन बनाते हैं, फिर हम कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाएं, इन तीनों को डिलीट कर दें आप, इन तीनों को डिलीट करके ना एक नया बनाते हैं। सर ये फिटिंग्स वाले उसमें तो नहीं जा रही है, देख लेते हैं, डिलीट कर दें तीनों को। अब अपने कोड से आप कॉपी करें, कोड से जो यूआरएल है ना वो कॉपी करके ले आएँ, यहाँ पर सर्वर के कोड में जो यूआरएल है डेटाबेस का, सेव। उसने खुद से पकड़ लिया, जब आप कॉपी किया था ना आपने तो उसने ऑटोमेटिक समझ लिया उसको, और कनेक्ट का बटन दबा दें। अच्छा सोशल नीचे नीचे वाला लास्ट वाला कलेक्शन, यूज़र्स पर डबल क्लिक कीजिएगा, यूज़र्स पर डबल क्लिक कीजिएगा। अच्छा आप किटन पे भी डबल क्लिक करें, उसमें तो नहीं जा रहा कहीं, ये सही कहा उन्होंने, नहीं उसमें भी नहीं है। किटन तो मैंने बनाया भी नहीं। हाँ अच्छा कोड अपना एक दफ़ा ज़रा दोबारा दिखाइएगा, यार ये क्या बकवास है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। अपने सर्वर के कोड में जाइएगा, शुरू से मुझे दिखाएं वो जो मॉडल बना हुआ है, जहाँ पे मॉडल डेटाबेस का जो मॉडल है वो दिखाएं। अच्छा ये आपका डेटाबेस का मॉडल है, इसका नाम यूज़र है, सही है बिल्कुल। साइन अप, अच्छा साइन अप में जहाँ पे यूज़र सेव होता है वो जगह दिखाइएगा, स्क्रॉल करें, यूज़र जहाँ पे सेव होता है यहाँ पे लाइन नंबर 72, 73, 74, सेव भी बिल्कुल सही हुआ है। अच्छा अब ये ज़रा आपका जो ये साइन अप का पेज है उसको ओपन कीजिएगा एक दफ़ा, साइन अप का ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल गालबन यही पेज है। साइन अप का बटन डायरेक्ट प्रेस कर दें, साइन अप का बटन ना डायरेक्ट प्रेस कर दें। अच्छा ये जो नया वाला बना है ना नीचे, इसको एक ज़रा नेटवर्क के ना इसको क्लियर करके एक दफ़ा प्रेस कीजिएगा। हाँ अब प्रेस करें साइन अप का बटन। सर ये इनका जो ये कनेक्शन का यूआरएल है ये आप अपने स्टूडियो 3T में चेक नहीं कर सकते? एक मिनट यहीं पे रुकिएगा। हाँ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ये तो सही है ना। 400 इसलिए आया है कि वो यूज़र एक दफ़ा क्रिएट हो चुका है पहले ही। लॉगिन साइनअप एक्सप्रेस ऐप, यार बिल्कुल सही है हर चीज़ आपकी, उसी सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रही है। अच्छा ईमेल थोड़ा सा चेंज करके इसको क्लियर करें, नेटवर्क के रिक्वेस्ट को क्लियर करें और ईमेल थोड़ा सा चेंज करके दोबारा ज़रा भेजें रिक्वेस्ट। यूज़र क्रिएटेड, अच्छा हरिको के लॉग्स में देखें, वहाँ पे भी यही बात लिखी हुई आ रही है कि यूज़र क्रिएटेड। हरिको के लॉग्स में जाएं, यार यहाँ पे भी लिखा हुआ है यूज़र क्रिएटेड, ये क्या सीन है। अब स्टूडियो 3D में जाएं, वहाँ पे ये दिख रहा है यूज़र। अब हाँ इस पे जाके ना ये प्ले का बटन दबा दें ताकि ये दोबारा रन कर देगा। प्ले का बटन भी दबा सकते हैं, रिफ़्रेश भी दबा सकते हैं, दोनों तरीका है। अरे अब तो आ गया, पहले क्यों नहीं आ रहा था, यूज़र्स में ही आया है, अब तो आ गया, पहले क्यों नहीं आ रहा था। ये वही यूज़र है ना जो अभी आपने क्रिएट किया है? अच्छा पहले भी हमने किया था लेकिन पहले नहीं आया था। वेल मे बी कोई आप कोई ऐसा इशू था जो हिट एंड ट्राई में वो सॉल्व हो गया, हमें पता नहीं चला। अच्छा ये पुराने वाले यूजर आ रहे हैं, अभी वाला नहीं आया। OPM जो अभी आपने क्रिएट किया था ना यही तो है? नहीं ये दूसरे आ रहे हैं। अच्छा हाँ ये रहा OPM@ABC, यही है। अच्छा लेकिन पुराने वाले यूज़र जो क्रिएट हुए थे वो कहाँ गए, उसका पता नहीं चला कुछ? वेल
अच्छा एक यूज़र और क्रिएट कर लें ज़रा टेस्टिंग के तौर पर। सही है क्रिएटेड। अब जाएं स्टूडियो 3D में देखें आया। अब तो सही आना शुरू हो गया बिल्कुल, वेल डन। अच्छा अब आप ना इसको हॉबी होस्ट भी कर लें अपने पेज को। HTML के पेज को होस्ट किया आपने अभी तक? आपने GitHub की रिपॉजिटरी में जाएं और HTML का जो पेज है ना आपका, इसको होस्ट भी कर लें जी। और होस्ट करके मुझे लिंक भेज दें जल्दी से, ताकि आपका असाइनमेंट जो है वो कंसिडर हो जाए कि हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। अपने GitHub की रिपॉजिटरी में जाइएगा और जाके ना GitHub पेज हमारा भी चेक कर लें। हाँ तुम्हारा तो लिंक तुमने भेजा है, उसको मैंने अभी तक देखा नहीं है, अभी देखते हैं तुम्हारा। अच्छा इनकी स्क्रीन भी शायद स्टक हो गई है। चलो सारे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ तुमने क्या बनाया अभी तक। सर मेरे पास भी गूगल पे एरर आ रहा है। आपके पास भी एरर आ रहा है? क्या लिखा हुआ आता है एरर में, क्या इशू आता है? ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, आप देख लें। मैं जी शेयर कर दें जी। फारिया जमाल अपनी स्क्रीन शेयर कर दें आप। इसको ओके कर दें, ये ऐसे ही आता है, ये जो सामने आ रहा है इसकी बात कर रही हैं आप? ये सामने जो एरर आ रहा है जी, ये आ रहा है बार बार। ये असल में इस वजह से आ रहा है लिखा हुआ कि आपने जो साइन अप करते हुए पासवर्ड लगाया ना, इसको लग रहा है, गूगल को लग रहा है कि ये कोई असली वेबसाइट है, ठीक है। और आपने जो पासवर्ड रखा है ना वो बहुत आसान रखा है, तो ये आपको वार्निंग दे रहा है कि इतना आसान पासवर्ड आप साइन अप ना करें। सही है। अच्छा उसके अलावा सर वो भी साइन अप भी नहीं हो रहा? साइन अप नहीं हो रहा है। साइन अप करने में क्या एरर आ रहा है? कंसोल लॉग खोल कर साइन अप करें, कंसोल खोल कर करें ताकि दिखे क्या एरर है। नेटवर्क का टैब इसमें ओपन कीजिएगा। हाँ अब करें साइन अप। लेकिन ये तो गेट की रिक्वेस्ट लगी है, ये तो पोस्ट की रिक्वेस्ट तो नहीं लगी। साइन अप में तो पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है। अब जाके डेटाबेस में चेक करें, डेटाबेस में आपका यूज़र क्रिएट हुआ है? यूज़र्स पर ये रिफ्रेश कर लें। हाँ यहाँ तो क्रिएट नहीं हुआ। आपने जो रिक्वेस्ट की है ना, जो वो तो आपने गेट की रिक्वेस्ट कर दी है, पोस्ट की रिक्वेस्ट की जाती है। दिखाएं ज़रा अपना HTML का कोड। हाँ यहाँ पे पोस्ट, अच्छा लिखा तो आपने पोस्ट है यहाँ पे, तो गेट क्यों हो रहा है वहाँ पे? ऐसा कैसे हो सकता है? यही पेज खुला हुआ है ना आपने जी? ज़रा एक दफ़ा और दोबारा ब्राउज़र में जाइएगा। गेट की रिक्वेस्ट कैसे हो गई वहाँ पे? यहाँ पे तो देखें गेट की रिक्वेस्ट हो रही है। अच्छा इसको क्लियर करके ज़रा नेटवर्क के सारी चीज़ों को क्लियर करें और एक दफ़ा और इसको आप साइन अप करें, एक दफ़ा और साइन अप करें। आपका पेज रिफ़्रेश हो जाता है शायद, आपका पेज रिफ़्रेश हो रहा है साइन अप का बटन प्रेस करने पे, राइट जी। अपना कोड दिखाया HTML का, वहाँ पे आपने रिफ़्रेश को रोकने के लिए वो नहीं लगाया हुआ। हाँ रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स लगाया हुआ तो है आपने।
अच्छा, तो अपने लॉग्स आपके ना इस कोड में कोई एरर आ रहा है जो आपको पता नहीं चलता है। अपने वहाँ पे जाएँ आप दोबारा से ब्राउज़र में, और वहाँ पे कंसोल की सेटिंग में जाके ना प्रिजर्व लॉग करें, क्योंकि पेज जब रिफ्रेश होता है ना तो हाँ कंसोल पे जाएँ, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करें, छोटी सी सेटिंग जो आ रही है नीचे वाली सेटिंग, नीचे वाली, हाँ प्रिजर्व लॉग पे चेक लगा दें, क्योंकि अगर आपके कोड में कोई एरर होता है ना तो उससे भी पेज रिफ्रेश होता है और आपको पता नहीं चलता, क्योंकि कंसोल क्लियर हो जाता है। अब एक दफ़ा साइन अप करें, यहाँ पे एरर का मैसेज शो हो जाएगा आपको कि क्या एरर का मैसेज आया है। एग्जियोस आपको ना आपके कोड में एग्जियोस मिल ही नहीं रहा है इसको, ठीक है। एग्जियोस आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने CDN नहीं लगाया हुआ। एग्जियोस का जो CDN होता है ना, जाएं अपने कोड में वापस जी जाएं, वो नहीं लगाया। ठीक हाँ है वो आप लगा लें, उससे आपका ये मसला हल हो जाएगा, उसके बाद अगला मसला फिर देखेंगे। एग्जियोस का CDN कहाँ से मिलेगा, जाके गूगल पे लिखना पड़ेगा एग्जियोस। नया टैब ओपन करें, एग्जियोस, और साथ में NPM लिखिएगा, एग्जियोस NPM, एंटर। ये आ गया पहला लिंक, ओपन कर लें इसको। इसमें कंट्रोल एफ करके CDN लिखें ताकि वहीं पे चला जाए आपको डायरेक्टली लेके। ये आ गया, इस CDN को कॉपी कर लें पहले वाले को पूरा शुरू से आखिर तक, कंट्रोल ए करें, पूरा शुरू से आखिर तक करना है स्क्रिप्ट का टैग पूरा। वेल डन, अब चला कर देखें इसको, अभी पुश करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ज़रा आप ऐसे चला कर देख लें। इसको रिफ़्रेश कर लें पेज को एक दफ़ा, पेज को रिफ़्रेश करना होगा आपको, अब चलाएं। सर ये गिटहब से चल रहा है? ये गिटहब में चल रहा है तो पुश करना होगा आपको। जी आप सही थी, मैं गलत था। गिटहब में चल रहा है तो आपको पुश करना होगा पहले। अच्छा, पुश करने के बाद फिर वेट भी करना होता है, क्योंकि फ़ौरन जो है ना वो अपडेट नहीं होता ऑलवेज़। ओके अच्छा, आप एक काम करें, आप फिलहाल ना इस वाली फ़ाइल को ओपन कर लें, ये जो इंडेक्स डॉट HTML है ना, इस पर राइट क्लिक करके ना इसको ओपन कर लें आप यहीं पे, कॉपी पाथ करें और इसको यहीं पे ओपन कर लें इंडेक्स डॉट HTML पे। नहीं, चलें ओपन विद लाइव सर्वर, ये भी ठीक है। टर्मिनल दोबारा उसका वो ओपन कर लें, कॉन्सोल, कॉन्सोल। सर अपडेट फ़ौरन हो जाता है? नहीं होता यार फ़ौरन अपडेट, टाइम लगाता है। मतलब वो लगाता इतना नहीं है, 2 से 3 मिनट लगाता है, लेकिन फिर भी उतना वेट भी ना डेवलपमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा होता है। जी सर, यूज़र क्रिएटेड, वेल डन, ज़बरदस्त। नेटवर्क के टैब में जाइएगा, नेटवर्क का जो टैब दिखाएं, ठीक है, ऐसा साइन अप पे क्लिक करें, जो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है 201। हाँ ये वाला जो सर्वर है ना, सर्वर विद डेटाबेस हरिको ऐप, इस सर्वर पर रिक्वेस्ट गई है और यूज़र क्रिएटेड हो चुका है। अब ज़रा जाएं अपने Studio 3D में, यहाँ पे आपके सेव हो जाना चाहिए डेटा। हाँ यू इस रिफ्रेश कर लें इसको, वेल डन यार, क्या बात है, सही है, हो गया आपका सेव हो गया, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बनाया आपने। और थैंक यू ये सर। जो आपका गिटहब पेजेस का लिंक है ना, ये भी भेज दीजिएगा, ज़रा ग्रुप में भेज दीजिएगा ताकि सब लोग इसको चेक कर लें, देख लें, अगर कोई इशू हो तो वो फिर आपको बताएं, आप उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा भाई, और किसी का कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसमें स्टक हो, वो सारे बोरी, अपनी स्क्रीन सर शेयर हमारा करो, लिंक देख लें आप? नहीं लिंक नहीं, तो अपनी सर स्क्रीन लिंक शेयर देख, करके प्रेजेंट करो कि क्या बनाया तुमने, चला के प्रेजेंट करके, प्रेजेंटेशन भेजता दो, हूँ भाई। स्क्रीन शेयर करो अपनी, सही है। मोंगो डीबी के
URI पे हम एक से ज़्यादा ऐप बना सकते हैं या दूसरी ऐप के लिए दूसरा URI क्रिएट करना होगा? देखिए मसला नहीं है, अगर आप दो तीन एप्लीकेशन है अलग अलग, आप उसको एक ही डेटाबेस से कनेक्ट कर दें तो कोई मसला नहीं है, चलेगा। लेकिन असूलन होना ये चाहिए कि हर ऐप का ना डेटाबेस अपना होना चाहिए अलग, ठीक है? हर डेटाबेस का अपना, हर एप्लीकेशन का अपना डेटाबेस होना चाहिए असूलन। लेकिन आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस, कि एक ही डेटाबेस आप सारे अपने ऐप से कनेक्ट कर दें। लेकिन टेबल का नाम आपको अलग अलग रखना पड़ेगा, टेबल यानी कि कलेक्शन, कलेक्शन का नाम अलग अलग होगा आपका। अगर सेम कलेक्शन होगा तो फिर जैसे यूज़र्स आपके, अगर जैसे इमेजिन करें कि फेसबुक पे साइन अप करते हैं तो भी यूज़र्स में जाके सेव होता है, और ट्विटर पे साइन अप करते हैं तो भी यूज़र्स में जाके सेव होता है, और एक ही डेटा बेस है पीछे, ठीक है? तो बहुत मसला हो जाएगा, तो इसलिए कलेक्शन का नाम आपको अलग करना पड़ेगा। हाँ भाई सारे चला के दिखाओ अपनी ऐप, क्या बनाया तुमने? तुम्हारी स्क्रीन तो आ गई है, लेकिन शायद तुम्हारी स्क्रीन स्टक है मेरे पास। तो मेरे पास तो सही चल रही। तुम्हारी स्क्रीन मुझे दिख तो रही है लेकिन मूव नहीं हो रही, स्क्रीन स्टक है। अगर डिफरेंट URI पे करना हो तो कैसे करेंगे? जी सर मैं बिल्कुल, वापस कर दूँ? ऐसे करेंगे डिफरेंट URI पे कि MongoDB पे जाके एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे नया, ठीक है? और उसके अंदर जाके जो है आप अपनी ऐप को कनेक्ट कर देंगे दूसरी ऐप को। हाँ अब चल रही है तुम्हारी स्क्रीन सही। हो गया साइन अप? अब डेटाबेस को रिफ्रेश करो। जी सर, डेटाबेस को सर रिफ्रेश, कर दिया, आ गया सही है, दिख गया मुझे, दिख अली गया, ऐसा ना आ गया। वेल डन यार। अच्छा लॉगिन भी बना लिया तुमने? ठीक है सर। सर इसमें मसला आ रहा है, मैंने रिकॉर्ड रिमूव कर दिया। अच्छा लॉगिन में क्या मसला आ रहा था भाई? दबे वो ट्यूटोरियल देखा था, वो ना मेरा डेटा सिर्फ टर्मिनल में चल रहा था, नेटवर्क में भी नहीं आ रहा था। अच्छा मैं आपको अगली क्लास में करके दिखाऊंगा। अच्छा चलो ये बताओ मुझे कि ये जो साइन अप की तुमने ऐप बनाई है, सही है? अभी जो साइन अप जो तुम्हारे पास जो तुमने जी मुझे चला के दिखाया है, जी इसमें जी जितना भी कोड लिखा हुआ है वो तुम्हें एक एक लाइन जी समझ में आ रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है? तुम समझ पा रहे हो कि तुमने क्या कोड लिखा है? अगर ऐसा कोड तुम्हें दोबारा लिखना पड़े तो तुम लिख लोगे? सर थोड़ा बहुत तो आधे से ज़्यादा तो लिख लूँगा, लेकिन थोड़ा वो है मसला, वो APIs में ना थोड़ा इशू है, अच्छा वो सही अब देखो चला तुम्हें नहीं। करना क्या है? जी करना ये है तुम्हें जी कि जो लास्ट क्लास वाली वीडियो है ना जिसमें मैंने साइन अप बनवाया है, जी जी बल्कि शायद उससे भी पहले बनवाया सर था, शायद दो क्लासों में मैंने ये बनवाया पूरा ऐप, तो वो पूरी क्लास को तुम वीडियो लगाओ। सही, इसे सब लोगों को मैं कह रहा हूँ जी भाई दवाई, ये मैं सब लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि ये काम आप लाजमी करें। वो वीडियो दोबारा से लगाओ और दोबारा से फ्रॉम स्क्रैच एक नई रिपॉजिटरी में ये पूरा काम ना, ये साइन अप वाला, ये एक दफ़ा और अपने हाथ से करो। ये बार बार आपको कोड अपने हाथ से लिखना होगा, तो उसके बाद जाके आपको ये छोटे छोटे जो मसले आ रहे हैं ना जो सारे लोगों को अभी फेस करना पड़ रहा था, ये प्रैक्टिस ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये कोड आप दो दफ़ा तीन दफ़ा आपको इसके उसको अपने हाथ से लिखना है, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि यार मेरा मसला यहाँ पर है, ठीक है? तो इसको कोड को एटलीस्ट इतनी दफ़ा लिखो इस कोड को अपने हाथ से कि इस कोड का एक एक लाइन तुम्हें समझ में आ जाए कि कौन सी लाइन से क्या काम हो रहा है। और अगर ये कोड तुम्हें दोबारा लिखना पड़े, मतलब बगैर देखे नहीं, देख के, मतलब गूगल तुम्हारे पास है, गूगल तुम्हारे सामने है, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन तुम देख सकते हो MongoDB की, तुम एक्जियोस की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, ठीक है? तो मतलब यही कोड दोबारा तुम्हें लिखना पड़े अगर किसी दूसरे कंप्यूटर में, तो तुम ये लिख पाओ, इतना तुम्हें अपने आप को इस काबिल बनाना है इस कोड को लेके, ठीक है? तो ये साइन अप जो हमने बनाया है,
ये साइन अप एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया की हर वेबसाइट के अंदर जब भी आप बनाएंगे तो ये साइन अप, यानी वेबसाइट नहीं ऐप की बात हो रही है जिसमें लॉग इन साइन अप, एक तो होती है ना वेबसाइट जिसमें सिर्फ देखते हो आप, लॉग इन साइन अप होता ही नहीं है। तो जितनी भी दुनिया की वेब एप्लीकेशन बनेंगी आप जो बनाएंगे अपने करियर में, उसमें ये साइन अप और लॉग इन तो लाजमी होगा। ठीक है, लॉग इन अभी तक मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं है, सिर्फ साइन अप पढ़ाया है। तो सिर्फ साइन अप में ना सब लोग इसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको एक एक लाइन समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और पुरानी कोई भी चीज़ यूज़ ना करें। अभी देखें ज़्यादातर प्रॉब्लम इस वजह से हुई थी लोगों के पास कि या तो किसी दूसरे का कोड आपने कॉपी किया था उठा के, ठीक है, तो जाहिर है उसका आपका URL सब उसका लगा हुआ था, डेटाबेस उसका लगा हुआ था तो उसके डेटाबेस में जा रहा था डेटा। ठीक है, तो या तो कॉपी करने की वजह से आपका डेटा गलत जगह जा रहा था तो पुरानी कोई भी चीज़ यूज़ ना करें। किसी का भी कोड अगर आप देख रहे हैं तो उसको देख के कॉपी ना करें, अपने हाथ से टाइप करें आप। ठीक है, तो पुरानी जैसे गिटहब की रिपॉजिटरी है, पुरानी यूज़ ना करें, फ्रॉम स्क्रैच नई रिपॉजिटरी बनाएं, हरिको के ऊपर एक नई ऐप बनाएं और कोशिश करें कि तीनों का नाम सेम रखें। ठीक है, और कोई ऐसा नाम रखें जो आपको मतलब पता चले कि अच्छा यार ये इस चीज़ के लिए बनी हुई है। तो ठीक है, तो हरिको के ऊपर नई ऐप, गिटहब के ऊपर नई रिपॉजिटरी और MongoDB में नया डेटाबेस, ये तीनों चीज़ न्यू लेके सारिब ये दोबारा जी बनाओ। जी ठीक है, ताकि सर, तुम्हारा हाथ सेट हो जाए। इतना मुझे पता है कि कौन कौन सी लाइन किस किस वक्त पर चल रही है, ये पता है कि क्या क्या वर्क कर रही है, हाँ और लिखा भी मैंने खुद ही है, एक दफ़ा लिखा लेकिन बार बार नहीं लिखा मैंने। हाँ ये बार एक दफ़ा बार और आपने लिखो, बोला ना एक दफ़ा और लिखो, जी तुम्हें खुद अपने अंदर चेंजेस नज़र आएंगे, खुद तुम्हें इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। ये पूरा कोड जब तुम अगली बार, अच्छा स्टाइलिंग छोड़ो फिलहाल, स्टाइलिंग इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं स्टाइलिंग पे फंक्शनैलिटी की ज़्यादा बात कर फोकस रहा हूँ। किया हुआ मैंने, हाँ वो स्टाइलिंग पहले भी तो बना वो हुआ। आ गई है ना आपको, स्टाइलिंग जी आप जब करेंगे जब आपकी ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए ना, फिर आपके पास एक्स्ट्रा जो जी टाइम बचेगा वो आप स्टाइलिंग पर लगा दें, भले मसला नहीं है। जी ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में इसी उम्मीद के साथ कि अगली क्लास में जब हम आएंगे तो ये सब को, ये सारा कोड जो आज हमने लिखा है, ये सब लोग इस क्लास में जो भी मौजूद हैं वो इस कोड को दोबारा लिखेंगे फ्रॉम स्क्रैच, हर चीज़ नई बनाएंगे दोबारा, गिटहब की रिपॉजिटरी भी न्यू बनाएंगे, डेटाबेस भी न्यू बनाएंगे और हरिको की ऐप भी न्यू बनाएंगे अब। ठीक है, सर और जी सर वो इरफान सुल्तान का भी देख लें आप, वो उनका वो आया है, लिंक भेजा हुआ उन्होंने। इरफान सुल्तान ने भी लिंक भेजा हुआ है? नहीं असल में मैं ऐसे नहीं देख सकता ना, मुझे क्रेडेंशियल इसके या तो बताएं आप कि मैं लॉग इन करके देखूं, स्क्रीन शेयर करके दिखाना होगा। अगर इरफान सुल्तान मौजूद हैं तो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दें कि क्या लिखा है उन्होंने, है ना, ताकि जैसे आपने खोला हुआ है ना, एक तरफ डेटाबेस एक तरफ UI और लॉग इन करके आपने दिखाया, तो इस तरह चेक होगा ये। ऐसे तो मैं फ़ायदा नहीं है, लिखा हुआ आ जाएगा क्रिएटेड, लेकिन मुझे क्या पता कि डेटाबेस में वो पहुँचा या नहीं पहुँचा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ इसको चेक करने की, कोशिश ही कर सकता हूँ मैं फ़िलहाल। है इरफान सुल्तान मौजूद है क्लास में? अच्छा जी सर मैं कर रहा हूँ, ये मैं साइन अप का मैंने बटन दबाया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 404, और 404 इसलिए लिखा हुआ आ गया है, अब पता नहीं 404 क्यों आया, वेल 404 आ रहा है भाई, स्लैश आपका डबल हो गया है URL के अंदर ना, आपके स्लैश जो है वो डबल हो गया है एक जगह पे, URL में स्लैश आपके डबल आ रहा है, इसलिए आपका क्या हो रहा है वो 404 हो जा रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अपने सर कोड में जाओ वहाँ पे स्लैश डबल हुआ हुआ है, चेंज कर दो उसको, साइन अप के बटन पे जो होता है ना फंक्शन चलता है वहाँ पे स्लैश डबल हुआ हुआ है। सर मुझे कह रहे हैं, हाँ इरफान सुल्तान आपसे कह रहा हूँ मैं, साइन अप के फंक्शन में जाओ, साइन अप के फंक्शन में जो है ना ये स्लैश तुम्हारा आखिर में डबल हुआ हुआ है, गेट ऑल यूज़र में भी स्लैश डबल हुआ हुआ है, सब में डबल हुआ हुआ है, URL में लाइन नंबर 70 के URL में स्लैश डबल हुआ हुआ है आखिर में, सब सारे URL में हुआ हुआ है तुम्हारे ये। अच्छा लॉगिन में नहीं हुआ हुआ, साइन अप में लेकिन नहीं हुआ हुआ है, इसमें साइन सही अप में है जाओ, इसमें भी डबल है। अच्छा सेव करो, अब जी चला के सर, वो देखो। भी लोकल होस्ट से मैंने इस पे लाया था ना, तो ये उससे हो गया होगा उस टाइम। नेटवर्क का टैब ओपन करके साइन अप करो, रिफ्रेश कर लो पेज को एक दफ़ा, वही दबाई दो। अच्छा क्लियर कर दो नेटवर्क, वेल डन, चला के दिखाओ।
ठीक है, सही है। डेटाबेस दिखा दो मुझे, डेटाबेस में कहाँ पर पहुंची ये वैल्यू। डेटाबेस ओपन करके दिखा दो कहाँ पहुंची ये वैल्यू। ये अच्छा फारिया जमाल, लास्ट क्लास का जो कोड है ना वो मैं रिवाइज़ कर दूंगा, ठीक है, वो मैं रिवाइज़ कर दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज तो हम यहाँ पर टाइम नहीं बचा है पढ़ाई करने का मज़ीद, तो वो अगली क्लास में करेंगे अब हम। अरे यार मेरी एक मीटिंग थी 10:30 पर। हम अपनी क्लास की टाइमिंग से आधा घंटा ऊपर आ गए। अच्छा ये डेटाबेस खोल के ना इसका स्नैपशॉट लेके व्हाट्सएप के ग्रुप में डालना, ठीक है। अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मीटिंग थी, हम ऑलरेडी आधा घंटा ऊपर आ गए हैं क्लास की टाइमिंग से। अच्छा चलो हो गया कनेक्ट, तो दिखा दो। रुक जाना, हो गया। ये पहली बार खोला है तुमने? पता नहीं क्यों। यूज़र्स पर डबल क्लिक करो। ये आ गए, ये देखें पहले के भी दो हैं, ये भी का है, ABC डबल थ्री। वेल डन यार, बहुत अच्छा बनाया तुमने, जबरदस्त। सर मैंने गेट ऑल का भी बना लिया था। गेट ऑल भी बनाया था आपने, बनवाया था ना। ये देखें इस पे एक करो गेट ऑल, वायर क्या बात है, जबरदस्त। और ये डबल क्लिक पे है, मेरे पहले ये इशू आ रहा था, डबल क्लिक कर रहा था तो ये मतलब डबल प्रिंट हो रहे थे, लेकिन वो भी मैंने सही कर दिया अभी। सही, मतलब जो होंगे पीछे वही आएंगे एक ही दफा। सही है। और रिफ्रेश पे भी ये मसला आ रहा था मेरा। सही है, वेल डन यार। अच्छा ये जो कोड आपने लिखा है ना ये आपको दोबारा लिखना है शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है। जितने भी क्लास में लोग मौजूद हैं सबको ये कोड एक नई रिपोजिटरी बना के, और हर चीज़ नई इस्तेमाल करनी है, पुरानी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। दोबारा से ये कोड लिखना है, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह।